कहते हैं ना कुर्सी है जनाजा तो नहीं है उतर जाओ नहीं करना तो <laughs> यार आईएमएफ एम कह रहा है इसलिए करो डोंट डू द राइट थिंग बिकॉज आईएमएफ इज डूइंग सेइंग इट डू द राइट थिंग बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू था mm. उन्होंने तो किसी और चीज़ को देखा ही नहीं और इसलिए हमको मुस्लिम लीग को बुरा भला भी कहते थे तो so, जब इमरान खान ने डेढ़ बिलियन कर दिया करंट अकाउंट डेफिसिट तो उसको तो खैर वो बुरा भला नहीं कहेंगे लेकिन फिर अब मैं उसको 500 मिलियन पे लेके आया तो थो थोड़ी सी थो थो तारीफ तो कर दो यार मतलब नजर नहीं नहीं नहीं। 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 you know, तो आ जाता है अगर हम देखते हैं कि इसकी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है और फिर एंड में आता है इसने 15000 टैक्स दिए है तो ऐसे लोगों का एफ का पता करना तो कोई मुश्किल नहीं है वो लोकल जाके देख लें भाई इसका घर इतना है इसका टैक्स इतना है दीज थिंग्स डोंट मैच फैसल की बात कर रहे हैं <laughs> 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 फैसल ये तो लेबर की नहीं ना दस तो ये वाला लेबर की नहीं <laughs> <laughs> वेलकम टू एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान लिए आज एक एजाज की बात है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ हैं एज ए पी एच डी इन मिस्टर इकॉनमी इस्मा कैसे सर आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बहुत अल्लाह का शुक्र है ठीक uh, हूँ खुश हूँ आप कैसे हैं ज्यादा खुश लग रहे हैं सर <laughs> आप लग रहा है कि थोड़े रिस्पांसिबिलिटीज <laughs> कम हो गई हैं रिसेंटली हाँ बिल्कुल बहुत कम हो गई हैं <laughs> इसलिए आप हमारे शहर भी वापस आ गए <laughs> आई यू स्टिल आई एम श्योर आप अभी भी कंसल्ट तो कर रहे होंगे बट वो जो एक रैंक होता है फाइनेंस मिनिस्टर का वो ना होने की वजह से इतना फ़र्क आता है यू फील लाइक नहीं आप स्टिल उन्हीं मीटिंग्स में जा रहे हैं उसी तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं, नहीं मैं तो सच्ची बात है कि मुझे लंदन में बताया गया था कि यूर नो लॉन्गर गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर तो फिर मैं लंदन से इस्लाम नहीं गया मैं कराची आ गया था और फिर यहीं पर रहा था एक डेढ़ हफ़्ता फिर मुझे अपना ज़ाती काम भी था मेरा उधर घर था हर है आ, और हुकूमत का नहीं है टीवी पे पढ़ा एक मतलब आया था कि मैंने पैंतालीस लाख रुपए खर्च कर दिया अपने घर पे हुकूमत के घर पे तो मेरा हुकूमत का घर है ही नहीं मेरे पास तो वो घर था वहाँ पे मेरा घर है वहाँ यू नो गाड़ियाँ हैं स्टाफ है, है वगैरह उधर भी गया था कपड़े भी सारे वहीं रखे हुए थे तो वो जाना भी था प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि जब आना तो मुझसे मिलना तो उनसे भी मिलना था एक दो और यू नो दोस्तों ने खाने किए थे तो उधर गए थे तो वो बस होके आया हूँ अदरवाइज नो तो मेरी मेरी एक थ्योरी है कि <coughs> नो मिफ्ता इस्माइल विदाउट सागदार और हमेशा से प्लान यही था कि जो मुश्किल डिसीजन है वो आप आके लेंगे और फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिकल कैपिटल अपना रिवाइव करने के लिए साखदार आ जाएंगे तो अगर आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं इट लाइक इट केम एज अ सरप्राइज टू यू दैट यू विल बी नो लॉन्गर फाइनेंस मिनिस्टर तो मेरी थ्योरी बिल्कुल झूठ है ऐसा नहीं है कि इट वॉज अ सरप्राइज़ टू मी मैं तो जब बना था प्राइम मिनिस्टर उसके दो हफ़्ते बाद से ये बात आ गई थी कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं डॉक्टर साहब आ गए डॉक्टर साहब आ गए तो अक्सर ये बात आती थी, थी और मुझसे लोग पूछते थे तो मैं कहता था कि यार आई एम जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे यू नो वन फोन कॉल एक मैसेज का मुझे आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का या उनके सेक्रेटरी का तो मैं छोड़ दूंगा uh, ये कोई यू you नो know, कोई गद्दी तो नहीं है मेरी कोई मैं पीर तो नहीं हूँ जब मैं मिनिस्टर बनूंगा यू नो मतलब कोई जद्दी पुछती की कोई मेरी वो भी नहीं है इसके ऊपर क्लेम यू सर्व द प्रेर ऑफ़ द प्राइम मिनिस्टर जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा आप बनेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब ने बनाया था जब उनको लगा कि ये मफ्ताब उस शाइल में काम नहीं कर सकता और तो उनको लगा तो मेरी छुट्टी कर दी तो ये अनफेयर क्रिटिज़म है ऑनलाइन के नवाज शरीफ आपने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनके बेटे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे इसहाकदार भी एक फैमिली मैन है तो दिस आइडिया के द कीप इट इन द फैमली फेयर है कि आप फैमिली के नहीं थे आपको फवाद आलम से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि आप कराची के हैं तो आपको ड्रॉप कर दिया गया तो वो एक एक, एक आ, पाकिस्तान में और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान साउथ एशिया में ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में वहाँ पे आ, अपने पंडित नेहरू जो थे पंडित जवाहर लाल नेहरू उनके वालिद थे मोतीलाल नेहरू फिर नेहरू साहब आए फिर इंदिरा गांधी उनकी बेटी आई फिर राहुल गांधी आए और राजीव गांधी आए शर्ट से अब राहुल गांधी आए तो वो एक फैमिली चल रही है लेकिन अब इंडिया के अंदर उस फैमिली को वोट नहीं मिल पा रहा और कांग्रेस को इस तरह रिवाइव नहीं कर रहे और आगे से एक फैशिस्ट या नियो फैशिस्ट मोदी साहब उधर आए हुए हैं इसी तरह श्रीलंका में मिसेस बंद मिस्टर बंदरा नाइक थे फिर उनके बाद उनकी मिसेस बेगम बेगम साहबा मिसेस बंदरा नाइक फिर उनकी बेटी कमारत कमारतुंगा राना तुंगा, वो भी आई गई थी चंद्रिका कमारातुंगा सॉरी और इस दूसरी तरफ ये राजा पाशके की भी पूरी फैमिली थी एक भाई सदर था एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर था एक भाई प्राइम मिनिस्टर था एक भाई डिफेंस मिनिस्टर था ये चार भाई एक्चुअली चार पोजीशन पे थे जाहिर है कि इट्स नॉट पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक टू हैव एवरी पोस्ट इन वन फैमिली ओबियसली देर इज़ बाईस तेईस करोड़ का मुल्क है सिर्फ़ एक ख़ानदान तो नहीं हो सकता लेकिन एट द सेम टाइम फिर लोग वोट भी तो देते हैं ना पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती पोलिटिकल पार्टी ये झूठ है मैं आपको सच बता रहा हूँ पाकिस्तान में सिर्फ इनफरादी ब्रांड पे वोट मिलता है मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो सिर्फ नवाज शरीफ का वोट है इसीलिए उसका नाम मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है आ, पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो भुट्टो के नाम पे वोट है और और इस पीटीआई का वोट इमरान खान के नाम पे वोट है जहाँ पे लोग बात करते हैं जमहूरियत की और मगरबी जमहूरत के इमरान खान बहुत बात करते हैं तो मगरबी जमहूरियत के अंदर तो टोनी ब्लेयर जितना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर था आठ साल बाद वो चला गया गोल्डन ब्राउन आ गया दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए इंग्लैंड के अंदर मार्केट थैचर वो सो सक्सेसफुल उसको माइकल हेजल्टीन ने अनसीट किया इन वोट ऑफ वो जो सपोर्ट और उसके बाद फिर जॉन मेजर प्राइम मिनिस्टर बन गए तीनों दिगर लोग आते रहते हैं तो यहाँ पे इस तरह नहीं है इमरान खान नाइन्टी से 97 से ही हैं इमरान खान के बगैर पीटीआई का कोई वजूद नहीं है तो पार्टीज़ हम कहते हैं ये पार्टीज़ थोड़ी हैं ये तो एक या नवाज शरीफ का यू नो वोट फ्रेंचाइज़ है अब वो शायद वो चाहेंगे कि उनकी बेटी को मिल जाए वोट फ्रेंचाइज़ अब ये लोगों के ऊपर डिसाइड करना है Uh, एक मुफ्ती महमूद साहब थे उनके बेटे मौलाना फजल रहमान हैं उनके बेटे असद महमूद साहब हैं उनके भाई अताउर हैं। मतलब यू अंडरस्टैंड कि thing, because, uh, आपकी तो पोजिशन की नहीं है वो तो एट द ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है तो वो जो आप पोलिटिकल कैपिटल की बात हैं ठीक है पार्टीज़

बहुत मुश्किल फैसले लिए और हमारी पार्टी के अंदर भी आपस में बहस होती थी एक मतलब हमने जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई तो मरियम साहिबा ने कहा था कि मियाँ साहब खुश नहीं है वोट के मीटिंग से चले गए और ये बात सब सही है कि मियाँ साहब डिड लीव द मीटिंग इन मरियम एंड अदर पीपल व अपोज टू द इनक्रीज इन प्राइस इन एंड एक्चुअली सेट दिस उसके बाद मार्केट में अनसर्टिनटी आई हम दो सौ चालीस से डॉलर दो सौ तेरह पे आ गया था ऑर्गेनिकली नॉट बिकॉज एनीथिंग आई डेड और उसके बाद फिर वो डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया सो लेकिन आई वो समबडी हु रियली बिलीव्ड इन जो मैं कहता हूँ ना कि ऑस्टेरिटी आई वो समबडी हु रियली बिलीव के पाकिस्तान हैज़ टू लिव विद इन आर मीनस नाउ एवरीबडी बिलीव्स दैट ये मैं अकेला इसलिए आपने को कमो कम कर दिया है को जी बिल्कुल हर आदमी ये बिलीव करता है कि पाकिस्तान हैज़ टू लिव विद इन दर मीनस लेकिन सब क्या कहते हैं यार अगले साल से शुरू करेंगे ठीक है मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि नहीं अगले साल से नहीं आज से शुरू होगा और जिस प्रिकेरियस पोजिशन में आपने पाकिस्तान हमें दिया था तो हम तो बैंक्रप्ट हो जाते सो so, मतलब सीरियसली डिस वॉज नॉट पोलिटिकल एज यूजल हो ही नहीं सकता था वी हैड टू डू समथिंग इन वी डेड अल्लाह की मेहरबानी से हमने वो काम किए हैं जिससे हमने पाकिस्तान को सर्टन डिफ़ॉल्ट से बचाया है विदाउट अ डाउट डिफॉल्ट हो रहा था और यू uh, नो uh, uh, you know, मतलब uh, uh, <laughs> वैसे ही अज्रा मज़ाक में कह रहा हूँ कि मुझे आज से हमारे असन इकबाल साहब हैं उनकी बेटे की शादी थी मोहम्मद की लाहौर में तो ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी है भांजी है शजा फातमा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है छोटी बहन है मेरी तो वो मेरे पास आई हुई कहती मुशतफ़ाई आप सही कर लेंगे अभी हमारी हुकूमत नहीं आई थी लेकिन ये कि ऐसा लग रहा था कि शायद आ जाएगी Uh, मीशत सही कर लेंगे तो मैं कह रहा था कि नहीं फाशद छः महीने के अंदर मैं जो है उसको मियाँ साहब मुझे निकाल देंगे और उसके बाद अगला आदमी जो है उधर तक सही हो जाएगी तो so, मतलब मेरा मतलब इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड कि मैं हटा दिया जाऊंगा बट आई वॉज एब्सोल्युटली श्योर कि आई एज लॉन्ग एज आई एम देयर आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट एंड आई ओ दिस एवरी थिंग जो मुझे दुनिया में आज इज्जत मिली है ठीक है मैं आशीफ साहब का भी एहसान है शहबाज साहब का भी है और भी बहुत सारे मैंटो हैं ख्वाजा आसफ़ शाह असन इकबाल मगर आई एम फंडामेंटली एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आज जो दुनिया में इज़्ज़त मेरी है या जो दुनिया में मकाम है या जो आज पाकिस्तान के अंदर भी जो मेरा मकाम है वो पाकिस्तान की वजह से है तो माय लॉयल्टी ओनली लॉयड विद पाकिस्तान एंड आई मेड श्योर दैट पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट ना करे पाकिस्तान की मीशत ठीक हो और आज से ठीक हो और ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं ना जिसको आप पोस्पोन करते हैं वो पोस्टपोन नहीं करने चाहिए हमारे सत्तर साल का अलमिया ये है पचहत्तर साल का कि आप मुश्किल फ़ैसलों को पोस्पोन करते आए वो पोस्टपोन ना करें तो ठीक है एंड लेट द चिप्स फॉल दे सर आपने डॉलर का भी जिक्र किया और वो बात करेंगे एंड युड भी हैप्पी टू नो कि बहुत लोगों ने तो सवाल की जगह सिर्फ मैसेज भेजा है कि उनको थैंक यू कर दीजिएगा जो उनकी सर्विसेज हैं अभी अभी मैं चेक कर रहा था कि एक इनबॉक्स भी आया था कि प्लीज थैंक यूम फॉर सर्विसिज एंड आई एम अ पी सपोर्टर तो अगर पी सपोर्टर भी थैंक यू कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही किया होगा आपने हम डॉलर पर आते हैं लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट का एक जिक्र किया ये बात भी सच है कि पहली दफ़ा पोलिटिकल रेट्रिक में डिफॉल्ट का इमरान खान से ही आया था कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं बट इफ आज हम एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करें जब हम कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था वो जो इमरान खान ने फ्यूल सब्सिडी एटम बॉम्ब लगाया हुआ था उसकी वजह से जा रहा था डिफ़ॉल्ट अगर वो हम हटा दें तो एज सच एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट डिफॉल्ट का खतरा तो नहीं था ना नहीं आ... उसकी वजह से वो एक वजह थी लेकिन उसकी उसकी वो मुकम्मल वजह नहीं थी जो असल वजह थी वो ये थी कि आपने आई का प्रोग्राम से छोड़ दिया था सो so, आई का प्रोग्राम आई एम एफ इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जब आपको कोई भी पैसे नहीं देता दुनिया में कोई भी पैसे नहीं दे रहा होता और सबको नजर आ रहा होता है कि आप बैंक होने वाले हैं या डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं और जब आप बैड रिस्क हो जाते हैं तो आई आपको पैसे देता है हम कहते हैं ना कुछ कंपनी या बैंक आर टू बिग टू फेल जब इनको लग रहा है कि अब ये फेल हो जाएगा ये पाकिस्तान फेल हो जाएगा या श्रीलंका फ़ेल हो जाएगा तो आप आई के पास जाते हैं और आई आपको पैसे देता है हम अब पचहत्तर साल में उधर ही रहे हैं कि हम फेल होने वाले हैं फिर निकले फिर फेल होने वाले हैं फिर निकले फिर फेल होने वाले हैं हम तो आई के पास ही गए दिसंबर में आई का प्रोग्राम था कोविड के दिनों में आई ने रिलैक्सेशन कर दी इनको मजीद पैसे दे दिए जी ट्वेंटी ने इनको बहुत सारे इमारा दे दिए तो बड़ा आसानी हो गई इन्होंने ये पैसे जो है टर्फ लोन वगैरह के अंदर पैसे इस्तेमाल कर लिए अमीर तरीन तो पाकिस्तानियों को रियायत दे दी और मतलब बहुत सारी सब्सिडीज़ दे दी खैर हम वापस उसी नैच पर आ गए कि अब हम हीनो बैंकपसी की नैच पर आ गए हम फिर आई के पास गए ये हम गए दिसंबर में आपका आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया आपने स्टे ऑफ कर लिया कि आप बैंक्रप्ट नहीं होंगे आईएमएफ एम एफ इसने पैसे आपको दे देगा कि यू विल बी ओके अब इस आईएमएफ के प्रोग्राम में जब आप थे और आपको उसके बाद एक और आईएमएफ का प्रोग्राम जून में ख़त्म होता तो करना होता तो उसके बाद आपने फ़रवरी में जाके आपने आईएमएफ के से जो 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 आपने माहिदा किया था उसका माहिदा को तोड़ा और तीन चार चीज़ें कं मिसाल के तौर पर नंबर एक आपने पेट्रोल के ऊपर न सिर्फ टैक्स नहीं लगाया आपने ये कहा था कि हम हर महीने चार रुपए एडिशनल लेवी लगाएंगे जब तक कि वह तीस रुपये पर लीटर ना हो जाए और हर महीने दो फ़ीसद सेल्स टैक्स लगाएंगे जब तक कि वो सत्रह फ़ीसद ना हो जाए यानी कि अगर दो सौ रुपये का पेट्रोल हो तो चौंसठ चौंतीस रुपये वो ना हो जाए तो वो दोनों आपने माहे थोड़े फ़रवरी में बोला नहीं हम ना सिर्फ पैसे नहीं लगाएंगे बल्कि हम सस्ता बेचेंगे पेट्रोल को मज़ीद सस्ता बेचेंगे ठीक है एक चीज़ जिसको मैंने आज अखबार में भी लिखा है बिज़नेस रिकॉर्डर में कि हम सऊदी अरब से सस्ता डीज़ल और यू से सस्ता पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे उसके बाद हमने दूसरी चीज़ की कि हमने एक माहिदा किया था कि हम कोई एमनेस्टी नहीं देंगे क्योंकि खान साहब ने रियल स्टेट के अंदर एमनेस्टी दी हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम मजीद को एमनेस्टी नहीं देंगे उन्होंने एक और एमनेस्टी दे दी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एमनेस्टी दे दी और बिजली के बिलों के अंदर जो इनको बिल्स के अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाने थे वो इन्होंने लगाने से आ, कर दिया कि हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी नहीं सॉरी आई शुड सी नॉट से फ्यूल एडजस्टमेंट आई मेंट एनुल रीबेसिंग जो करनी होती है साल में एक जो प्राइस टैरिफ की वो भी इन्होंने नहीं की और गैस की प्राइस भी नहीं बढ़ाई तो चार चीज़ें करी तो उसके साथ दो चीज़ें हुई एक तो आई से आपका वो हो गया सिलसिला आपका टूट गया उसके बाद नो बडी एयरसोर्स गोइंग टू तो लैंड जू एन जो आपको पैसे देने थे दुनिया को वो बहुत ज़्यादा थे जो पैसे आपके पास थे वो बहुत कम थे छत्तीस अरब की आपको ज़रूरत थी दस अरब आपके वास्ते तो छः छब्बीस अरब रुपए से आपका खसारा था दैट मीन्स कि आप डिफॉल्ट करेंगे और दूसरी बात ये थी कि कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं था तो 26 अरब रुपए आपको बिल्कुल नहीं मिल सकते थे तो एक तो ये हो गया और दूसरा एक कि फिर आपकी फिजिकल पोजीशन और बुरी हो गई कि अगर आप तेल सस्ता बेचेंगे तो जो तेल आपको चाहिए उससे ज़्यादा आप मंगाएँगे क्योंकि लोग होर्डिंग कर रहे हैं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह और आपके डॉलर्स भी नहीं हैं तो बहुत सारे मसाइल हो गए थे ये आप समझ लीजिए कि मतलब एकदम प्राइम कर दिया था हमने डिफ़ॉल्ट के लिए पाकिस्तान को Uh, जब पी टी ये बात करते हैं कि इसमें अगर मैं आपको थोड़ा लाइसेंस दूं कि आपको ये नहीं पता था कि आप लोगों ने रहना है या जाना है उसी डिसीजन में वस, उस उस डिसाइसिवनेस में जब वो लोग कहते हैं कि ठीक है उन्होंने फ्यूल सब्सिडी तो दी लेकिन उन्होंने एक महीना दी थी आप लोगों ने प्रॉब्ली टुक वन एंड हाफ मंथ टू इवन मेक अ डिसीजन टू रिवर्स डैट

इंटरनली uh, हम ये बात कर रहे थे कि रहेंगे या नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था पेट्रोल महंगा करने का बिजली महंगा करने का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था विद इन द पार्टी ऑल्सो इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है uh, और कुछ लोग तो चलो जो, जो जिनको ये ग्रेविटी का एहसास नहीं था लेकिन कुछ लोग जिनको ग्रेविटी का एहसास होना चाहिए वो भी इसके खिलाफ थे विद इन विदिन विद इन द पार्टी ठीक है आई हैव टू से कि कोलिशन गवर्नमेंट के, के लोगों ने पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम ने और uh, ख़ास तौर पर दोनों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और उनको अपने पोलिटिकली मार लग रही थी लेकिन उन्होंने साथ दिया और इन देंड जे यू ने भी बहुत साथ दिया सो कोलिशन गवर्नमेंट और जो दीगर छोटी पार्टियाँ थी उनके उन, उनको तो आई थिंक वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू दैम हम हमारी पार्टी के अंदर बहुत से लोग शायद अब्बास तो पहले से कह रहे थे कि हुकूमत ही ना लो आप इमरान खान को हटाएं उसी दिन इलेक्शन अनाउंस कर दें आ, लेकिन बहुत से लोग चाह रहे थे मियाँ नवाज शरीफ भी कि दो हफ्ते के अंदर हुकूमत को ख़त्म करो और उसके बाद आप चले जाएँ और ये मियाँ साहब का बड़ा एक एक, एक, एक स्टैंड शुरू से था पब्लिक स्टैंड था लेकिन फिर उसके बाद ये बात पता चली कि अगर आप केयरटेकर को दे देंगे तो केयर से आईएमएफ बात नहीं करेगी और अगले तीन महीने जो केयर रहेगा तो उसके अंदर पाकिस्तान डोल ड्रम्स में रहेगा ये हो नहीं सकता पाकिस्तान पाकिस्तान डिड नॉट है फोर मंथ्स सो आप केयर को देके नहीं जा सकते एक सोलूशन ये भी निकाला था कि केयर के साथ साथ आ, दिनों मुस्लिम लीग का वजीर भी चले जाए इस मिसाल के तौर पे मैं पीटीआई का वजीर भी चले जाए शौकत तरीन या कैटेगर का जो वजीर हो सब मिलके चले जाए भाई हम सारी सियासी जो कवतें पाकिस्तान की हैं, वो सब साथ हैं वो सब लोग जो मीटिंग हुई थी वो तो मैंने तो उस पर मैंने ये कह दिया था कि मैं जाऊँगा तो अकेला जाऊँगा वरानी जाऊँगा और उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर टू लीडरशिप के साथ में हमारी देखें सच्ची बात है कि प्राइवेट मीटिंग हुई है शौकत भाई की बात की मैं नहीं करूंगा लेकिन माई पॉइंट इज इन इट नॉट जस्ट मीटिंग बातचीत तो हो रही थी, थी ना मैंने अपने प्राइवेट अपने लीडरशिप को यह कह दिया था कि अगर हुकूमत में आपने रहना है तो चीजें करनी पड़ रखेंगी पेट्रोल बिजली वगैरह वगैरह ये सब करना पड़ेगा और अगर आपको ये नहीं करना है तो हुकूमत छोड़ दें किसी ने सर पे हमारे बंदूक नहीं रखी थी कि हुकूमत लो हम खुद दे थी ना तो अगर हुकूमत में आप रहते हैं तो मुझे एक एम हमारा मेरे दोस्त हैं वो आए थे मेरे पास है मुझे कहा कि हमने क्या ठेका ले रखा है मतलब मुस्लिम ने कहा हाँ हमने ले रखा है ना देखो जिस मनसब पर जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ जिस कुर्सी पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं उस कुर्सी का मतलब ये है कि हमने पाकिस्तान का ठेका ले लिखा है और अगर आप वो नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की ज़रूरत है तो फिर छोड़ के चले जाओ ज़बरदस्ती तो नहीं है यू नो वो कहते हैं ना कुर्सी है जराजा तो नहीं है उतर जाओ नहीं करना तो तो <laughs> पाकिस्तान की इकोनॉमी तो उस जनाजे की तरह है जो मेरे ख्याल से कफन के बाहर आ जाती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद कर लेता है पाकिस्तान की इकानी जो है ना वो बिल्कुल जनाजे की तरह नहीं है लेकिन वो मरीज की तरह है वो आगे खान में बिल के ऊपर बिल चढ़ रहा है <laughs> बिल भी तो उनको आगे खान में चाहिए आ, सिर्फ जिस तरह हमने पी में देखा कि उन्होंने दस साल हमें असद उम्र बेचे फिर वो जब गवर्नमेंट में आए वो कितनी जल्दी चले गए फिर हम पूरे ड्यूरिंग टाइम हमने सारी आपकी ट्विटर स्पेसेस सुनी आपके सारे सोलूशन देखे फिर आपने जितना टाइम मडियाला में गुजारा तो उतना ही टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री में गुजारा आई एम नॉट श्योर sure, ज़्यादा आसान किया था दोनों में से बट जब असद उमर आए थे तब आपने कहा था कि देर वार अदर वेज टू गो अबाउट इट ये हम पी टी आई को जैसा बिल्कुल सही क्रटिसाइज करते हैं कि दुक टू लॉन्ग टू गो टू दी एम एफ जिसकी वजह से मसले मसाइल हो गए बट उस टाइम आपके जो बयान आते थे वो ये होते थे देर वर अदर वेज सिर्फ यह तरीका नहीं था कि आई एम एफ को पीस करने के लिए प्राइस बढ़ा दी जो उन्होंने किया आपने बोला प्राइस बढ़ाने इनफिशेंसी भी हुई थी डैट वॉज नॉट दी ओनली वे सो यू आर क्रिटिसाइजिंग दैम फॉर देट बट जब आप आए तो हमने देखा कि आई एम एफ आपने भी प्राइस बढ़ा दी नहीं मास्ट के साथ मैं थोड़ा सा इस पर डिसग्री करूँगा मैं तो जाने से पहले और मुझे तो पार्टी मेरी पार्टी के अंदर से बड़ा क्रिटिसिजम हुआ था बल्कि एक दो मरता तो पार्टी ने मुझे कहा था कि टीवी पे मत जाओ क्योंकि मैं करेंसी के भी उस पर बात करता था कि करेंसी को डी वैल्यू करना चाहिए आपको पता है हमारी पार्टी की पॉलिसी थी कि करेंसी डी वैल्यू नहीं होगी मैं तो यू इन्हों वज़ी बनाऊँ दो मरता मैंने डी वैल्यू की उसी दिन करवाई स्टेट बैंक से हाथ पैर जोड़ के और उसके बाद फिर मार्च में फिर करवाई देखें मेरा ये यकीन था कि आई के पास जाना जरूरी है ठीक है आई के पास आप नहीं जाते और तो आपको इंटरनेशनल बैंक्स लैंड नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास तीन महीने से कम के रिजर्व्स थे और जिस तरह आपका बिजनेस नहीं चलता दोस्तों से कर्ज लेकर के आज इस दोस्त से दस हज़ार रुपए कर्ज ले लिया आज उससे दस हज़ार रुपए कर्ज ले लिया बिजनेस तो नहीं चलता इसी तरह मदद सऊदी अरब से दो बिलियन के डिपॉज़िट लेके चाइना से तीन बिलियन के डिपॉजिट लेके नहीं चलता यू हैव टू हैव अ प्लान आईएमएफ हैज़ टू बी द फर्स्ट स्टॉप आईएमएफ से पहले बात करें ठीक है नंबर वन और उसके बाद फिर आप जाके वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपकी फंडिंग शुरू हो जाती है फिर आपको दोस्त ममालिक से आप मदद बिल्कुल ले लें लेकिन वो भी फंडिंग हो जाए ये भी फंडिंग हो जाए और फिर और उसके बाद जो होता है ना कि एक चीज़ होती है ना कि वो Uh, जब आपने अगर आई के पास जाना है ना तो फिर पूरी तरीके से जाके पूरे रिफॉर्म्स करें और उसके अंदर बेहतरी लेकर आए देखिए गुजारिश यह है कि अब अगर आप इस वक्त आई एम इस वक्त मुल्क इस हालत में है तो आई के पास तो जाना पड़ेगा राइट अब जब आई के पास आप चले गए तो देन डू द रिफॉर्म्स एंड डोंट ट्राई टू डू इट हाफ हार्टडली गो इन इट विद फुल फोर्स दिल से करो कि हाँ ये चीज़ करना जरूरी है मुल्क के लिए बेहतर है ये नहीं कि यार आई एम एफ कह रहा है इसलिए करो डोंट डू द राइट थिंग बिकॉज आई एम एफ इज डूइंग सेंग इट डू द राइट थिंग बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू और फिर जब वो कर लो सारे रिफॉर्म्स तो मुल्क को फिर आप बेहतर कर सकेंगे ये नहीं कि आप आधी डिवेल्यूएशन करें यू नो इंटरेस्ट रेट उतना ना बढ़ाएं जितना बढ़ाना हो आई एम एफ को जाके मतलब जो जो मुझे नहीं पता लेकिन जो असद उमर साहब के बारे में बोल रहे थे कि वो आई एम एफ को भी जाके सिखाते थे

ओगरा निकाल के देती है कि आपको कि वट इज़ कॉस्ट ऑफ गैस जैसे इस वक्त कॉस्ट ऑफ़ गैस नौ सौ अट्ठाईस रुपये है सुई गैस सुई सदरन एंड सुई नॉर्दर्न के मिला के एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस नौ सौ अट्ठाइस रुपये तो आपको जो गैस बेचेंगे वो नौ सौ अट्ठाइस रुपए की होनी चाहिए उससे कम में बेचेंगे तो कंपनीज़ का नुकसान करेंगे आप ठीक है आप सिर्फ ऐसे विली निली गैस की प्राइस नहीं बढ़ा सकते कि आपने गैस की प्राइस बढ़ा दी क्योंकि आपको गैस की प्राइस बढ़ानी थी देखो कि उनकी कॉस्ट ऑफ गैस क्या है सो दैट्स दैट्स वन थिंग और उस वक्त जब अगर कास्ट ऑफ गैस बढ़ रही है अब शुरू में जब आए तो कॉस्ट ऑफ गैस उतनी थी उसके बाद अब रुपया डिवेल्यू होगा तो कॉस्ट ऑफ गैस बढ़ेगी क्योंकि कुछ ना कुछ ये डॉलर लिंक्ड होते हैं लेकिन डोंट इंक्रीज prices फॉर नो रीजन at ऑल जस्ट फॉर द फन ऑफ it. ठीक है और उसके बाद नौ सौ अट्ठाईस रुपये अगर आज कॉस्ट है तो नौ सौ अट्ठाईस रुपये सबकी प्राइस नहीं होती है डोमेस्टिक की तो नीचे की दो सौ रुपये प्राइस है लेकिन फिर आपको बैलेंस करने के लिए किसी को छब्बीस सौ रुपए की दे रहे हैं किसी को चौबीस सौ रुपए की दे रहे हैं तो एवरेज पर आपको नौ सौ अट्ठाईस रुपए होनी चाहिए तो वो देख के मतलब ये कि मतलब <laughs>

और मैं वो वाइज वज़ीर था जो बोलता था कि लोड शेडिंग बढ़ा था तो लोग बोलते थे कैसी बातें कर रहे हो यू यू यूर बींग हार्ट ले समझ में आ रहा है पी एम ए लड़ने क्यों ठीक? <laughs> ठीक? मैं एक दिन इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस कि मैं एक दिन खुरम दस्तगीर साहब के कमरे में उनकी गया उनके ऑफिस गया उनके पास एक स्क्रीन लगा हुआ है मैंने उनको कहा था मुझे भी स्क्रीन लगा दो तो उस पर देखा कि लोड शेडिंग नहीं हो रही है तो मैंने कहा यार अभी सेक्टरी पावर को बुलाओ सेक्ट्री पावर साहब तशीफ लाइल लगड़ियाल साहब तो मैंने कहा लगड़ियाल साहब खुदा का हॉफ करो ये क्या कर रहे हो यार मतलब एक दो घंटे की लोड शेडिंग तो करो मतलब ये फर्नस ऑल तो प्लांट बंद करो तो भाई आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ना ये क्या बात नहीं 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 मतलब पाकिस्तानी पागल तो नहीं है ना उनको एक बात मैं समझा रहा हूँ ना देखें क्या हुआ सो मई के महीने के अंदर आपने बिजली बनाई एक जाम के अंदर लोड शेडिंग जाम में एक फर्नस ऑयल का प्लांट है दिस इज़ द लीस्ट एफिशेंट प्लांट वो लास्ट प्लांट चलता है वो फर्नस ऑयल से जामशेरों में आपने अट्ठाईस परसेंट इफिशेंसी से बिजली बनाई आपको उन वेरिएबल कॉस्ट यानी कि सिर्फ ईंधन की कॉस्ट जो है वो उनसठ रुपए पर किलो आवर पड़ी है एक किलो आवर एक यूनिट की कॉस्ट बनाने की उनसठ रुपये पड़ी साठ रुपए एक मिनट समझ लीजिए साठ रुपए की ईंधन की कॉस्ट है क्योंकि बीस से ज़्यादा आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में खो देते हैं तो उस यूनिट उस इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी के घर में भिजवाते हैं तो उसके ऊपर बीस परसेंट और लगा लीजिए तो साठ और बारह हो गए बहत्तर जब उसका बिल आता है तो सिर्फ नब्बे परसेंट बिल आते हैं सौ फीसद तो बिल आते नहीं हम नबे बल्कि अब तो नब्बे भी नहीं सौ भी नब्बे भी नहीं आ रहे लेकिन यू नो कुछ दिनों में पीपल पी टी जो है उसको हम तिरानवे पर ले गए थे मुस्लिम लीग पी टी आई अस्सी पर ले आई थी आज तो वही इससे भी बुरा हाल है तो चलिए नब्बे भी लगा लें तो जब वो बहत्तर रुपये का बिल अब आता है तो अस्सी रुपये की कॉस्ट हो जाती है क्योंकि अब दस परसेंट आपको बिल भी नहीं आता है सेवेंटी नाइन रुपीज़ सेवेंटी परसेंट समथिंग लाइक दिस तो अस्सी रुपये का आपको एक यूनिट पड़ रहा है लास्ट यूनिट आपका पड़ रहा है मार्जिनल यूनिट इज कॉस्टिंग यू एटी रुपीज़ पर यूनिट आप उसको छत्तीस में बेच रहे हैं या तीस में बेच रहे हैं लोग गालियाँ दे रहे हैं कि यार इतना महंगा बिजली, और बिजली। है और बिल्कुल महंगी है बिजली ठीक है अब जब छत्तीस में आप बेच नहीं सकते और आप अस्सी का बना रहे हैं तो वो जो बाकी के चवालीस रुपए हैं वो कहाँ से आएंगे वो सर्कुलर डेट से आएंगे अब आप पीटीआई ने कानून पास कर दिया आईएमएफ से डील करके ये सर्कुलर डेट से नहीं आएंगे या बजट से आएंगे या लोगों को बिल में जाएंगे अब लोगों को अगर आप बिल दे रहे हैं तो लोगों की चीख निकल रही है बहुत बिल्कुल निकलनी चाहिए कि ये क्या है जो दो सौ यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसको आप मतलब अगर सोलह हज़ार का बिल दे रहे हैं तो वो बेचारा तो मर रहा है तो, तो फिर आप क्या करें अब अगर दुनिया के अंदर सच्ची बात है कि दुनिया में अगर पेट्रोल और डीजल और एल इतना महंगा हो गया है चालीस डॉलर का जो चौंतीस तीस चौंतीस मिलियन डॉलर्स का आज भी मिल जाता है जो कि शायद अब्बासी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदा था एलएनजी वो अब आज मार्केट से लेना हो तो एक सौ चालीस मिलियन डॉलर का है तो जो 140 मिलियन डॉलर का जो आज आप जर्मनी और फ्रांस वो ख़रीद सकते हैं हम जो हमसे चार हज़ार गुना ज़्यादा अमीर मुल्क हैं हम नहीं ख़रीद सकते लेकिन अब वो 140 मिलियन डॉलर्स की अगर एल खरीद के बिजली बना रहे हैं तो बिल तो ज़्यादा आएगा अब उसका क्या करें बताइए मतलब मतलब अब मतलब अगर बिल देंगे तो भी लोग उन परेशान होते हैं और अगर लोड शेडिंग करेंगे तो भी लोग परेशान होते हैं तो करें तो क्या करें अब उसके अंदर यह है कि भाई आप एफिशंसी भी बेहतर करें एक थोड़ी सी देखें अस्सी रुपये का यूनिट बनना ही नहीं चाहिए साठ रुपये का यूनिट नहीं बनना चाहिए मैं आपको सच बता रहा हूँ चालीस पैंतालीस चालीस रुपये के ऊपर यूनिट नहीं बनाने चाहिए और अगर उसके अंदर लोड शेडिंग हो रही है तो हो और लेकिन फ़ौर उस तरफ जाना चाहिए कि जहाँ पर आप सस्ती बिजली बना लें आपने इम्पोर्टेड बिजली के ऊपर सारा आपका मदार है तो उससे आपको बड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि अब प्राइसेस चेंज हो गई हैं इम्पोटेड चीज़ें एल हुआ कोल हुआ सब महंगे हो गए हमने थर कोल से फ़ायदा नहीं उठाया हमने अब मियाँ शबाज शरीफ़ जो है वो सोलर की तरफ जा रहा है लेकिन अभी सोलर लगेगा

तो जब इस तरह की चीजें अनाउंस होती हैं कि 200 यूनिट से कम होगा उन पे बिजली माफ होगी या दो महीने की एक रिलीफ भी दी जाएगी तो माफ होगा। सो सो दीज थिंग नंबर पर्सनली आई थिंक दिस इज वॉट गवर्नमेंट शुड डू बट दे गो अगेंस्ट द नंबर अब वो हमने किस तरीके से किया जब बिल आए अगस्त में मैं कतर गया था प्राइम मिनिस्टर साहब यहीं पे थे दूसरे दिन कतर आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब तो रात को मुझे फ़ोन दिन में मुझे फोन आया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा यार मुफ्ता यह बिल आ गया प्राइम मिनिस्टर साहब को ये अंदाजा नहीं था कि इतने बिल आ जाएंगे सच्ची बात no no है ही नो आइडिया कि ऑल ऑफ़ दिस कॉस्ट विल बी ट्रांसलेटेड इन टू अ बिल दैट वेरी मंथ ही हैड नो आइडिया ठीक है सो ही कॉल में एंड इसमें कोई टैक्स नहीं था तो इसमें मेरा कोई अमल नहीं था एक एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं तो उस वक्त कह रहा था कि भाई देखो य इस किस्म की महंगी बिजली ना बनाओ और मुझे थोड़ी मेरी सर्जरिश होती थी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो यार मतलब और मैं फॉरेन एक्सचेंज देने में बड़ा रिलक्टेंट होता था कोल की एलसियाँ खोलने के लिए मैं थोड़ा सा रोक देता था मैं और हमारी थोड़ी बहस होती थी कि यार कोल के लिए मफ्ता भाई ने पैसे नहीं दिए वो स्टेट बैंक पैसे नहीं दे रहा है और बड़ी बहस होती थी और बाद में तो मैंने यहाँ तक तो भी कहा था कि मैं पी को एलसियाँ भी नहीं खोलने दूंगा मतलब मैं उसको भी रोकूँगा लेकिन मैंने और तो बहुत सारी एलसियाँ रोकी थी आ, लेकिन एनर्जी के नहीं रोकते थे फूड्स की आइटम्स के ऑब्वियसली नहीं रोकते थे तो मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया कि यार इतना बहुत प्रेशर हो गया ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है ये कैसे कर सकते हैं मेरा अपना ड्राइवर मुझे बोलता है कि सर मेरा सत्रह हज़ार का बिल आ गया है मेरी बयालीस हज़ार की तनख्वाह है मैं क्या करूँ बताइए तो आई वॉज अवेयर ऑफ इट तो मैंने कहा सर मैं ड्राइवर की तो बढ़ा देना तनख्वाह <laughs> <laughs> I paid for his bill anyway. You know, even um, uh, even today, actually, uh, anyway. But so so I um, I go. Uh, I was in Qatar, so I said to the prime minister, path karta so, IMF se bhi nahi I am talk to Sir, I have "I have I the मोस्ट ऑफ़ द नाइट हम यहाँ पे मैं बात करता रहा पावर सेक्टर से राशिद लंगड़ियाल बहुत समझदार आदमी है उनसे मैं बात करता रहा आ, और एक वर्ल्ड बैंक की जो खातून है जो कि पूरा देखती है आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से पावर सेक्टर उस खातून से राशिद भाई बात करते रहे मैं अपने सेक्ट्री से बात करता रहा फाइनेंस सेकट्री से ए, ए, और हमारे जो पावर सेक्टर का जो मेरा एडिशनल सेक्रट्री उससे बात करता रहा आ, स्टेट बैंक वालों से बात करता रहा बहुत सारे लोगों ने मुझे, मुझे मशवरा दिया कि इस वक्त आई से बात ना करे एक हफ़्ता ये अभी कुछ भी ना करो लेकिन कहा नहीं हम करेंगे फिर मैंने रात को आई एम वालों से बात की एक कुछ ऑस्ट्रेलिया में थे कुछ स्पेन में थे आई वाले भी पता नहीं इधर उधर थे और तकरीबन रात के दो तीन बजे फिर मैंने उनको समझा दिया कि देखो यार ये जो गरीब तरीन लोग हैं जो दो यूनिट वाले बिजली लेते हैं हम उनका एफ जो है वो डिफ़र करेंगे क्योंकि हमें पता था कि अक्टूबर से बिजली का बिल कम हो जाएगा तीन महीने बहुत ज़्यादा था ये क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो पिछले क्वार्टर में खान साहब ने नहीं किया था वो भी आ गया था और एनुअल रेबेसिंग जो डेढ़ साल से नहीं हुई थी वो भी आ गई थी तो ये जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर बहुत बुरा थे ठीक है अक्टूबर से बिजली के बिल कम हो जाएंगे ये हमें पता थी तो मैंने उनको कहा कि मैं अक्टूबर में छः महीने इस महीने का जो बिल है वो छः महीने में एडजस्ट कर दूंगा और नवंबर दिसंबर में बिजली के बिल वैसे भी कम हो जाते हैं तो लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आए मह फाल ये बात समझ गए उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें फिर मैंने रात को प्राइम मिनिस्टर को दो तीन चार बजे प्राइम मिनिस्टर साहब आप सोते ही नहीं है सो यू नोट ओके टू कम्युनिकेट कम्येट एट एनी गिवन टाइम आई थिंक फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आई टोल्ड मोनिंग पी एम साहब ये मसला सुलझा लिया है मैंने पी एम साहब ने कहा ठीक है फिर वो सुबह आए और फिर जब सुबह मैंने उनको बताया तो फिर देन ही देन ही, आ, देन ही आ, स्पोक एंड ऐसे ही आपको अजरा भदाक एक बात बता दूं कि जब वो अनाउंस कर रहे थे तो मैं भी उनके साथ खड़ा था नवैद कमर साहब भी थे अया भी से थे एक दो और वजरा भी थे और मैं लेफ्ट पे खड़ा हुआ था और मैं एक्चुअली उस वक्त सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो अनाउंस कर रहे थे दिस वॉज नॉट एक्जैक्टली दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी आई थोड़ी सी फ़र्क थी डिफरम डिफर और वेव का फर्क था और थोड़ा सा मैं और सोच रहा था ना मैं अपनी सोच में सोच रहा था कि दो सौ गए तीन सौ है किस तरह करूँगा पैसे कहाँ से पापा वालों को किस तरह पैसे दूंगा मैं ये सोच ही रहा था सो आई वॉज जस्ट वेरी लुकिंग वेरी पेंसिव से मुझे कह दिया कि मिफ्ता भाई आप कैसी शक्ल बनाई थी दोस्त <laughs> तो ने मुझे कैमरे से काट दिया uh, तो बट बट थिंग इज दैट ये करना ज़रूरी था हमने किया uh, लेकिन uh, और जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो वो की हमने लेकिन हमने कॉन्फिडेंस में लेकर आई को किया गरीब लोगों के ऊपर बोझ डालने पे आई बिल्कुल खुश नहीं होता है दे आर ओके दे आर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लेकिन गरीब लोगों की आड़ में जब आप अमीर लोगों को सब्सिडी दे रहे होते हैं तो वो डोट फील आई एम एफ के अपने भी मफाद होते हैं कैसे बंगाली आए हुए थे पॉडकास्ट हुए वो कहते हैं आई एम एफ बिजली बिजली पे तो अप्रूव कर देता है बट मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर कभी कुछ भी नहीं कहता अभी भी हमने देखा कि देर वॉज दिस न्यूज़ uh, के बाजवा साहब ने डायरेक्टली वनडी शर्मन को फ़ोन की और एक लूजन था कि कासमि सलमान की जो लोकेशन थी वो बताई गई थी विच वॉज दर टू मेक श्योर द आई एम एफ डील ये आप कह रहे हैं सब बकवास बातें

वेदर वी लाइक इट और नॉट व फैक्ट ऑफ द मैटर्स कि आर्मी की बहुत इन्ग्रेस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इसमें तो इसमें कोई बहस ही नहीं है ठीक है आ, आज तो इमरान खान के ज़माने में जो डील हुई थी कतर से टेन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ ब्रांड में वो बाजवा साहब ने करवा के दी थी डील और बाजवा साहब ने कहा था कि मुझे बताओ कितना चाहिए जो आपको सऊदी अरब से या यू ए से या कतर से जो आपको पैसे वगैरह मिलते हैं उसके अंदर आर्मी की सपोर्ट आपको चाहिए होती है आई मीन दे वो हमको फी अभी ला नहीं दे रहे होते पैसे या वो मदद नहीं कर रहे होते चलो वो दोस्ती भी होती है लेकिन हम उनको स्ट्रेटेजिकली हेल्प भी करते हैं हमारी पाकिस्तान आर्मी उनकी हम मदद तो करती है तो सो तो, मतलब पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान में बहुत है इसको तो हम नहीं डिनाई कर सकते ना मतलब कितने मुल्कों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पता होते हैं लोगों को उनके मुल्क के उनको हम आपको पता है एयरफोर्स चीफ का नाम नहीं यू गो सेवेंटी वन में कौन थे ये पता है वो भी इसकी बट ये पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी इनमें हम नहीं पढ़ते कि मिलिट्री का रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या है आपने इमरान ख़ान का जिक्र किया वहाँ पे तो उनके एलायस कहते थे कि नैपियाँ तक बदलवाते थे डॉलर पे आ जाते हैं यू रिपीटली वेंट ऑन टीवी एंड सैड कि मुझे नहीं पता दार के पास क्या मैजिक बॉन्ड है ओबियली एमपैर फ्रीजिंग कि डॉलर कम होगा बट वो डार इफेक्ट हम देख रहे हैं कि डॉलर डर चुका है और उनके सिर्फ आने से पहले ही डॉलर जो है वो बाईस रुपये गिर गया तो ये क्या हो रहा है ये कैसे हो रहा है देखिए डॉलर की भी मार्केट हर चीज़ की मार्केट की तरह चलती है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर तो हमने ये किया कि जब डॉलर बढ़ रहा था तो हमने और जून में पाकिस्तान की इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी तो जुलाई के अंदर हमने इम्पोर्ट को बहुत करटेल किया और पाँच सवा पाँच मिलियन डॉलर्स की इम्पोर्ट को लिया है थोड़ी तो एक्सपोर्ट का और रेमिटेंस को मिलाकर अभी चार पाँच सौ मिलियन का फ़र्क रह गया फिर उसके बाद हमने देखा कि अगस्त से जो है वो डॉलर अच्छा होना शुरू हो गया तो 240 तक पहुंचा और 240 पे रेजिस्टेंस था टेक्निकल रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट के जिस दिन होता है ना और 240 से नीचे आया 213 पे आया जिस दिन 213 पे आया उस दिन हमने पेट्रोल बढ़ाया तो उधर हमारी जो अंदर जो है वो थोड़ी सी फूट पड़ गई या वो ओपन डिसअग्रीमेंट हो गया कि यू नो हाफ ऑफ मुस्लिम लीग वॉन्ट्स प्राइस रेस दादी अदर हाफ डजन वॉन्ट रेस यू नो वो जब बात आई तो ओबियसली पीपल लॉस कॉन्फिडेंस उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स फॉरवर्ड में डॉलर्स बेचते हैं वो उन्होंने डॉलर्स बेचना छोड़ दिया थिंकिंग बढ़ ला होगा और जो रेमिटेंस है वो भी थोड़ी सी स्लो हो गई और उस वक्त ये था कि कर्ब मार्केट जो थी वो नीचे थी और कर्ब मार्केट से डॉलर इंटर में आता था फिर कर्ब मार्केट ऊपर चले गई लोग अफगानिस्तान के डॉलर की डिमांड आ गई बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई पाकिस्तानियों की दुबई में डॉलर ले जाने की तो जो इंटरबैंक की मार्केट थी उससे ऊपर हो गई कर्ब मार्केट आ, हमारे पास कोई तरीक़ेकार नहीं है कि हम रुपया डाल के डॉलर डाल के इंटरवीन अनलेस के मार्केट डिसप्शन हो स्टेट बैंक इज़ नॉट अलाउड बाय दी आईएमएफ टू पुट इन पुटिन डॉलर स्टेट बैंक इतनी आज़ाद है कि वो होता भी नहीं है आ, जो थोड़ा बहुत वो करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो मैंने किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव करने में, में मेरा आ, देखिए मैं जो उनको समझाता था कि वाटर फाइंड इट्स ओन वे आज आपने अगर एक पेशावर की बाजार पर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव वो कर लिया ये सब झूठ होता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से रोक लिया उससे नहीं रुकता है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज से डॉलर नहीं रुकता है डॉलर अपनी इंडिजिनस डिमांड से होता है ठीक है अपनी इंडिजिनस डिमांड से होता है सो so, वो डॉलर जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया अब आप देखेंगे जब दो सौ अड़तीस अड़तीस में पहुंचा तो दो तीन दिन तक नहीं बढ़ रहा था आखिर दिन सात पैसे पड़ रहा था तो हमको लग रहा था कि नीचे जाएंगे अगर यू नो लेकिन फिर उस दिन मुझे उन्होंने हटा दिया तो फिर डार साहब के आने का एक होता है कि डार साहब कह रहे थे कि दो सौ हो जाएगा दो सौ हो जाएगा मैं तो कभी कहता है डार साहब तो एक सौ सत्तर एक सौ जब मैं वैल्यू तो, तो एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी के इनफैक्ट आठ दिन जो मेरे अपने आने से आठ दिन पहले उन्होंने नसीम जारा को शायद दिया था तो एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी का बोलते थे जब मैं वजीर था तो अब इन्होंने उन्होंने दो सौ का कहना शुरू कर दिया है तो अब वो आ गए और फिर उसके बाद तो मार्केट को ये हुआ और अब आजकल क्योंकि एक्सपोर्टर्स को लग रहा है कि नीचे जाएगा तो डॉलर आगे फॉरवर्ड में बेच रहे हैं मेरा पॉइंट ये है कि आई मीन आई डोंट रेडी नो वट इज़ द रा रट लेवल ऑफ़ डॉलर ठीक है आई एव पी एच डी इकानिक्स पर आई अंडरस्टैंड के ए इट्स नॉट माई जॉब टू से वॉट इज द राइट लेवल ऑफ डॉलर एंड वी शूड लेट द मार्केट डिसाइड वॉट द राइट लेवल ऑफ़ डॉलर इज और मार्केट में कभी कभी डिसप्शन होते हैं लेकिन डिसप्शन छे में जाते हैं इवेंचुअली दो तीन रुपए का बैंड होना चाहिए बीस बीस तीस तीस, तीस रुपए का बैंड नहीं होना चाहिए एक मतलब दो सौ चालीस से दो सौ तेरह गई फिर ऊपर गया दो सौ चालीस है वापस दो सौ बीस है या दो सौ सो सोलह है ऐसा कुछ है लेकिन लेकिन एक तो ये डॉलर की अपनी मार्केट होनी चाहिए लेकिन दूसरी चीज़ आप ये सोचें आज हम बड़ी सब खुश हैं कि डॉलर नहीं जा रहा है बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी बात है एक्सपोर्टर्स तो बहुत नाराज है पिछले साल अस्सी बिलियन का इम्पोर्ट हुआ था और तीस इकतीस बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था लेट मी रिपीट नंबर्स सो पीपल अंडरस्टैंड योर इम्पोर्ट्स वर एटी बिलियन डॉलर्स योर एक्सपोर्ट्स वर थर्टी वन बिलियन डॉलर्स ठीक है इज दैट द राइट थिंग टू डू सीरियसली टू to ब्रिंग टू to इंक्रीज द रुप वैल्यू रियली हमने जब लास्ट टाइम कांस्टेंट रखा था रुपया 105 पे तो एक्सपोर्ट एज द परसेंट ऑफ जी डी पी चौदह परसेंट से गिन के साढ़े आठ परसेंट पे आ गया था एक्सपोर्ट्स वर 14 परसेंट ऑफ जी डी पी इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व इन एट परसेंट ऑफ जी डी पी इन टू थाउजेंड दैट वॉट यू वॉन्ट पाकिस्तान शुड वी एक्सपोर्टिंग स्टाफ So, think about this. I that of export bias. 240 was obviously a wrong rate. In any case, we should not be obsessed about the exchange rate and should not ever be trying to come up with an exchange rate numerical target. Uh, but what we should be targeting is exports plus remittance should be equal to imports. फिर इम्पोर्ट्स कैन नॉट बी मोर देन एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस जितनी अपनी चादर है उतना पैर फैलाओ आपने आते वाली पॉडकास्ट सुनी होगी तो रेमिटेंसेस पे उनका क्या ख्याल है ये तो आपको पता है इवन द फ्लिप साइड कैन बी आर्ग्यूड के हैज करेंसी डील्यूएशन लेड टू एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान आई थिंक इसमें भी एक क्वेश्चन है लेकिन मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं आपसे आपने जो बात की एक्सपोर्टर्स फॉरवर्ड आप उसकी बात कर रहे हैं कि देर अलाउड टू कीप द डॉलर्स अब्रॉड फॉर अ अर्टन पीरियड तो उनको लगा कि दो सौ चालीस से ऊपर तो नहीं जाएगा तो वो ले आए एक फॉरवर्ड और भी होता है कि वो आप फॉरवर्ड से अभी से भेज दें अगले छः महीने के डॉलर और अभी एक रेट में भेज देंगे यार ये बेच दिया आपको दो

देखिए वो कब वो वो छोटी कभी कभार स्टेट बैंक का नेगेटिव हो जाता है कभी पॉजिटिव हो जाता है उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं वो वो कवर कर लेते हैं वो एक दो दिन का होता है वो आईएमएफ से कंसल्टेशन में करते हैं मतलब कोई इस वक्त इस वक्त तक डॉक्टर साहब के आने के बाद कोई भी स्टेट बैंक ने कोई ओवरली इंटरवेंशन नहीं की है ये बात गलत है आ, तो, कोई तो, इंटरवेंशन तो, नहीं रिजर्व जो स्लिप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं भाई रोज पैसे देने होते हैं आपको आप आप करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था देखें डेढ़ बिलियन था साढ़े सत्रह बिलियस लास्ट ईयर था हमने उसको लाके पिछले महीने पाँच सौ पर लेकर आए मिफ्ता इस्माइल की इस पर तारीफ़ होनी चाहिए थी कि जो डेढ़ बिलियन इमरान खान कर रहे थे और आपको याद है हमारे जो पी वाले भाई थे जितने थे उनके ख्याल से तो दुनिया में एक ही स्टेटिस्टिक्स एक ना मीशत को मेजर करती थी वो करंट अकाउंट डेफिसिट था उन्होंने तो किसी और चीज़ को देखा ही नहीं और उसने हमको मुस्लिम लीग को बुरा भला भी कहते थे तो जब इमरान खान ने डेढ़ बिलियन कर दिया करंट अकाउंट डेफिसिट तो उसको तो खैर वो बुरा भला नहीं कहेंगे लेकिन फिर अब मैं उसको पाँच मिलियन पे लेके आया तो थोड़ी सी तारीफ तो कर दो यार लेकिन so लेकिन द पॉइंट इज़ कि उसकी वजह से जब आप करंट अकाउंट डिफोजिट कम करेंगे तो ख़ुद ब खुद डॉलर जो है अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस ख़ुद ब खुद कम हो जाएगी इसमें क्या बहस है मतलब ये हमने क्यों आर्टिफिशियल सोचें कुछ जादू से थोड़ी कम होता है डॉलर की डिमांड कम कर दो अगर आपकी डॉलर की डिमांड बढ़ी रहेगी तो फिर प्राइसेस तो नीचे नहीं आएंगी ना तो उसके बाद अगर आपने प्राइस नीचे रखनी है तो फिर आपने कहीं और से पैसे डालने हैं

अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु बात दुरुस्त है आपकी बैंकों ने स्टेट बैंक को ये कहा था क्योंकि हम वन फ़ोकन सुनते थे कि 224 की मार्केट है किसी बैंक ने 242 का दे दिया नेशनल बैंक ऑल ऑफ ऑल बैंक्स उसने पीएसओ को हुकूमत के बैंक ने हुमत की कंपनी को 242 का डॉलर बेचा हुआ था जिस दिन मार्केट दो पे बंद हुई थी ठीक है ये भी मुझे पता है तो हम स्टेट बैंक को ये बोलते थे कि ये क्या हो रहा है स्टेट बैंक हम मुझे ये कहता था, था कि बैंक अशोर कर रहे हैं कि नहीं हम नुकसान कर रहे हैं हर बैंक ने स्टेट बैंक को ये कहा कि हम नुकसान कर रहे हैं खैर कुछ अर्सों तक वो झूठ बोलते रहे आ, और हमने ओवरऑल बैंकों को एक ऐसी पोजीशन में रखा था कि जहाँ पे उनका इंटरेस्ट में नहीं था कि रुपया डी वैल्यू हो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ओवरऑल बैंकों को जिस तरह हमने जो हमारी पॉलिसी रिजीम था कि बैंकों का इंटरेस्ट में नहीं था कि रुपया डी वैल्यू हो लेकिन बैंकों ने प्रॉफिटेयरिंग की और जो प्रॉफिट एयरिंग की तो उसके बाद आठ बैंकों को शो कॉज नोटिस दिए और ये बैंकों को हमने ऐसे ही शो कॉज नोटिस नहीं दे दिए ये बड़ा काम हुआ इस पर हमने देखा है कि हर इंटरवल में और मैं ये बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे झूठ लोगों को आते हैं क्लासरा साहब भी बड़े अजीब अजीब ट्वीट्स कर रहे हैं तो मैं इस पर ये बात क्लियर कर देता हूँ कि हर पांच मिनट पर रेट देखा गया कि वट वॉज द रेट मार्केट रेट एवरी फाइव मिनट्स सपोज द मार्केट रेट एट वन थर्टी फाइव पी एम वॉज 218 रुपीस ठीक है 218 रुपए का बैंक का रेट था लेकिन उस वक्त अगर बैंक ने उस पाँच मिनट में 135 थर्टी पे दो की जगह दो का बेचा है दो का बेचा है कुछ नहीं बोला गया उसने दो का बेचा या दो का बेचा तो उस बैंक को फिर शो कॉज नोटिस दिए गए आठ बैंकों को शो कॉज नोटिस दिए गए इसमें से तो दो तीन बैंकों ने तो हालांकि एक दो बैंक छोटे हैं एक बड़ा है उसने बहुत ज़्यादा किया ये ठीक है और उनको शो काज नोटिस दिए डू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ़ दीज बैंक आर वेरी वेल्दी बैंक एंड दे कैन हायर गुड लॉयर्स एंड गेट स्टे ऑर्डर तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया उनको शो कॉज नोटिस दिए और उनको टाइम दिया कि आप जवाब दें उन्होंने जवाब दिए उस जवाब को स्टडी किया नाव वी आर गोइंग टू और आई आई मीन मैंने स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश ने जो था वो ट्रेजर्स वगैरह को फायर किया तो मैं कहा ये ना करो फाइन करो ठीक है पहले मेरी ये सोच थी स्टेट बैंक से बात भी हुई थी कि आप जिस जिस से इसने ज़्यादा पैसे लिए उनको वापस दे लो लेकिन वो बड़ा डिसरप्शन हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आ रही थी तो हमने कहा कि उनको इतना लंबा फ़ाइन कर दो कि उनके पैसे का फ़ायदा ना हो ठीक है और ये जो लास्ट टाइम देखें लास्ट टाइम जो जब बड़ी थी ना मार्केट उसमें किया था ये इस बार जब बड़ी है मार्केट दो जब लेके गया था और मैं वापस दो सौ गया ठीक है तो तो इसमें इस बार इतना कंप्लेंट नहीं आई है पिछली मरतबा में कंप्लेंट आई है फर्स्ट टाइम है दैट वाज बिकॉज के फर्स्ट टाइम में इन्होंने गड़बड़ करी है प्रॉफिट एयरिंग है और इनको बहुत लंबे फाइन लगेंगे आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि स्टेट बैंक ये प्रोसेस कर रहा है और फाइन लगेंगे लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोसेस मेरे जमाने में शुरू हुआ था इसमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाता बिकॉज यू आर ऑल्सो डीलिंग विद द विद्स इन प्राइवेट कपैसिटी आई बिलीव थर्टी बिलियन की फाइनेंसिंग है आपकी अपनी इंडस्ट्रीज की बैंक से एंड देन एज फाइनेंस मिनिस्टर यू आर फाइनिंग द सेम बैंक्स एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट फाइंडिंग द सेम बैंक एट ऑल ठीक है अलग बैंक से नहीं नहीं ए, बैंक ठीक okay. है अच्छा और स्टेट बैंक ने मुझे ये कहा कि हमने आठ बैंकों को शो शोकआउस नोटिस दिए मैंने मुझे मुझे दो तीन बैंकों का नाम तो पता थी लेकिन मैंने आठ बैंकों के कभी नाम भी नहीं पूछे ठीक है वो स्टेट बैंक का काम है वो मेरा काम नहीं है स्टेट बैंक के दो काम होते हैं एक रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग और एक मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है तो उससे दोनों का आपस के अंदर वो रेगुलेशन रेगुलेटिंग ऑफ बैंक्स में तो बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आई डू थिंक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड और जो हमारा लॉ था वो गलत था और गलत है लेकिन बहरहल इट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड और आई एम एफ को के लॉ में जो हमने करवाया कुछ बैंकों को ज़्यादा ही कुछ स्टेट बैंक को आज़ादी दे दी है लेकिन कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है हैविंग सेट दिस बट रेगुलेटरी उसका जो एस्पेक्ट है उसमें तो कोई वो नहीं है द फैक्ट कि मैं एक अच्छा बिजनेस करता हूँ हैज़ नथिंग टू डू विद दिस आई मीन यू नो मतलब अगर मैं स्टेट बैंक फाइनल कर रहा तो बैंक क्या करेगा मुझे uh, uh, मतलब वट इज दू डू मतलब हाउ इजैक्टिंग ले ले जिस दिन मैं नैब में नैब ने मेरे घर पर छापा मारा था उस दिन एक चाइनीज बैंक से हमने पैसे लिए थे उसने पैसे वापस मांगे हमने दे दिए उसका पैसे किसी और बैंक से लेके बसता थोड़ी मैं अपने दादा के ज़माने से बिजनेस कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबान मेरे दादा के जमाने से हमारा बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में एंड यू नो मतलब हम कल से पैसे वाले नहीं हुए हैं आज आज मैं आपको ये भी बता दूँ आई मीन नाउ दैट यू आस्किंग मैं दो तीन चीज़ें बता दूँ आपको क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि बहुत सारी कंपनियों की एल हमने रोकी हुई थी इंक्लूडिंग माई ओन कंपनी एक एल नहीं खुली मेरी कंपनी की भी वो जिन जो जिस टाइप की एलसियाँ रुकती थी, थी ना मशीन्स की स्पेयर पार्ट्स की मेरी कंपनी की भी एलसी नहीं खुली है जब ठीक है ना कभी मैंने किसी आदमी को कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी अपनी कंपनी के लिए किसी को फ़ोन किया हो स्टेट बैंक में नंबर वन नंबर टू जितने अरसे मैं रहा हमने कोई इनकम टैक्स वगैरह का रिफंड नहीं लिया स्टेट एफ बी आर से बल्कि मैंने चेयरमैन को कह दिया था कि मेरी कंपनी को नहीं देना और मैंने किसी ना कभी चेयरमैन को न कभी मेम्बर को या किसी को कभी अपनी जी कंपनी के लिए कभी भी फ़ोन नहीं किया मैंने ना कभी तनख्वाह ली हैत से कभी भी नहीं लिए ना मैंने हुकूमत की गाड़ी ली है ना हुकूमत का घर लिया है ना हुकूमत का पेट्रोल लिया है मतलब सो so मतलब मैं अल्लाह की मेहरबानी से यू नो आई 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 स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट स्टफ ना मैंने कभी गाड़ी में झंडा लगाया वो जो कहते थे ना वो के प्रोटोकॉल का शौक है और ये वो ना मतलब मैं जब पहली पिछली मरतबा वज़ीर था तेरह से अट्ठारह के दरमियान तो मेरी गाड़ी पर झंडा नहीं था तो कोई मुझे ऐसे ही मस्ती कर रहा था शायद कि तूने झंडा नहीं लगाया था मगर नहीं सर वो मर्सिडीज़ है उस पर छेद कर लूंगा अगर फ्लैग पोल का तो बड़ा खर्चा हो जाएगा और कभी भी मेरे वजारत से तो कभी भी छुट्टी हो सकती है ना उस गाड़ी की तो वैल्यू गिर जाएगी तो सर ये तो आप अच्छे आदमी हैं इसलिए लेकिन तो जो, जो फील लाइक कि कुछ लॉ में भी होना चाहिए जो ना शौकत तरीन है ये भी खुरम हुसैन की रिपोर्ट है उसमें कि जो आई की फ़ोन कॉल थी जो लीक हुई है झागरा के साथ उस पर आपकी क्या राय वो भी जानना चाहूँगा लेकिन हुसैन ऑल्सो रिलेज़ कि अगर आई डील हो जाए ही माइट लूज सिल्क बैंक सो नाओ दिस पर्सन इज द मेन एडवाइजर टू पी टी आई हु बिग पोलिटिकल पार्टी उनके चलें एक पॉलिटिकल पार्टी का भी डिसीजन होता है कि आईएमएफ का रुकवाने की कोशिश करो हमारे पॉलिटिकल फ़ायदा होगा लेकिन जो आदमी उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है उसका पर्सनल इतना फ़ायदा है दैट हाउ कैन ही सेपरेट द टू सो दिस आइडिया कि जिन लोगों के पर्सनल बिजनेसेस हैं वो इन पोजिशन ऑफ पावर हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है ना इन चौकत केस इट सीम्स क्लियर देखिए अब ऑन ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल जनरेट हो जाता है मैंने फिरसन जो मैं कर सकता था मैंने मिसाल के तौर पे मैंने अपनी कंपनी से डायरेक्टरशिप से रिजाइन करी हुई है एंड आई एक्चुअली डोंट वर्क इन माय कंपनी ठीक है अब मैं सोच रहा हूं कि मैं वापस जरा सा काम की तरफ कुछ ध्यान दूं लेकिन अभी तक चूँकि कुछ करने को नहीं है तो कुछ तो करूंगा तो 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 काम करने का कर ध्यान तो दूं लेकिन मैं एक्चुअली आई डोंट वर्क मैंने अपनी कंपनी से डायरेक्टरशिप का रिजाइन दे दिया बल्कि बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैं पॉलिटिकली क्या होता है अफिलिएटेड पर्सन हूँ तो अभी तो बैंक अकाउंट खोलने भी मुश्किल हो जाते हैं और मेरे ख़्याल से जो नैब है आ, उसने मुझे ई पे तो रखा था लेकिन मेरे ख़्याल से उन्होंने वो वो भी रोक दिया है ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता हूँ मैं कोई चीज़ें बेच भी नहीं सकता हूँ लेकिन को बेच नहीं रहा हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई भी आप, आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे उसका कोई ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो होगा या कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा इफ ही लिव्स इन पाकिस्तान विच आई डू राइट शौकत भाई का एक बैंक है सिल्क बैंक जो वो शायद uh, बेच रहे हैं या बेच देंगे या वट एवर नो मतलब लेकिन दैट्स अ ओपन सीक्रेट एवरीबडी नोज दिस तो मतलब डोंट मतलब बट बट थिंग इज दैट पीपल हु नो अबाउट मी अबाउट अबाउट एवरीबडी नोज कि किसने क्या कॉन्फ्लिक्ट था और किसने किस को कॉन्फ्लिक को सही तरीके से डील किया और किसने गलत तरीके से डील किया है अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान भर में कोई भी असर नहीं है जो नहीं जानता है कि मफ्ता अगर पाँच महीने जेल में गया तो मफ्ता ने कोई गलती नहीं करी है ठीक है ठीक है? है ये कि सबको पता है ठीक है कि कोई मफ्ता ने गलती नहीं करी है कभी कभी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया और इतने अरसे रहा है मैं इतने अभी अभी पाँच महीने पहले रहा हूँ पाँच महीने अभी वजीर रहा हूँ कोई एक इंस्टेंस मुझे नहीं दिखा सकता कि जिसमें मैंने अपनी किसी भी कंपनी को कोई भी तरीके से बेनिफिट किया हो सवाल ही पैदा नहीं होता ठीक है सो बल्कि आई आई वांट एक्चुअली वाज जनरल लॉ तो होना चाहिए ख्याल से शायद होगा भी लेकिन और, और the best, best, the best, uh, वो कहते ना सनलाइट तो बेस्ट थिंग टू डू इज टू डिक्लेयर योर इंटरेस्ट सबको पहले बता देना चाहिए कि भाई मैं क्या क्या ऑन करता हूँ ये मेरा काम है ये मेरा इससे ताल्लुक है ठीक है ये सबको पता होना चाहिए सारी दुनिया को पता है, है कोकोमो का तो खैर सब्जी का जिक्र होता है क्यों <laughs> 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 कम होते जा रहे मुझे पाँच सौ सवाल इकोनॉमी पर आए थे और पाँच हजार सवाल कोकोमो -को पे, पे आए थे आए हाँ। ये हमारे अब्दुल्लाट करते हैं पहला पूछता पाँच रुपये में तीन तीन कोकोमो क्यों आते हैं ये तो प्लास्टिक का ज़या है कम अज कम दस रुपये में छह करते हैं प्लास्टिक तो वेस्ट ना हो अब्दुल्ला अब को ये बता दीजिए कि दस रुपए में छः भी हैं या सात हैं शायद दस रुपए में मुझे पता नहीं मैं मुझे सीरियसली मुझे पता नहीं दस रुपये का भी कोको में है पाँच रुपए का भी है चलो अब ये कॉन्फ्लिक्ट ही कर लेता हूँ और इश्तिहार भी कर देता हूँ <laughs> कि दस रुपए का भी है पाँच रुपए का भी है पच्चीस का भी है और पचास का भी है मुझे कल पता चले कि पच्चीस का भी है मैंने कहा ना कल मैंने जरा सा बिस्किट के मैनेजर को जो साबिर साहब है उनको मैंने बुलाया और एक मुबशिर साहब है कि भाई क्या बिस्किट बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है तो कल मुझे पहली मरता पता चला कि मैंने को एक रिपोर्ट ली है कैंडी और बिस्किट से और रात को मेरा बेटा है वो चिप्स देखता है तो मैंने कहा तुझे आके मैं चिप्स की पूछूंगा लेकिन आज फिर नहीं पूछ सका तो चिप्स का भी काम है मेरा प्लास्टिक का भी काम है मैं सारी चीज़ें बता नहीं रहा हूँ तो फिर और सवाल <laughs> <laughs> अच्छा मैं इस बात मुझे वैसे पूछना है इसका एक इंडस्ट्री बट एक मेरी चिड़िया की खबर थी शायद खाकान अब्बासी को डायरेक्ट ऑफर हुई थी कि अगर आप नवाज शरीफ के अगेंस्ट चले जाएं तो आपको हम जेल से निकाल देंगे आपको ऐसी कोई अडियाला में ऑफर आई आ, मैं जिस दिन बंद हुआ उसके दूसरे दिन मेरा दोस्त गया है एक नैप के बहुत ऊँचे अफसर से मिलने के लिए तो उसने कहा कि उसको बोल के या नवाज़ शरीफ के खिलाफ या शायद अब्बासी के खिलाफ बयान दे दे वो छूट जाएगा तो मेरे दोस्त ने कहा तो कि ये कभी भी नहीं करेगा वो तो सच्ची बात है कि मैं क्यों झूठ बोलूँ तो और लेकिन शायद अब्बासी की बड़ी बात यह है मैं ये कहूँगा बहुत बड़ा पन है उसका कि उसने मुझे लेटर लिखा जेल से पहले उसने मरियम औरंगजेब को कहा कि मिफ्ता को बोलो मरियम औरंगजेब से मिलने के मिफ्ता को बोलो मेरे खिलाफ बयान दे दे ताकि वो ना आए जेल में उसके बाद उसने आई कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट ही गेव असदुल हक द सेम ऑफर ठीक है आई डोंट हु वाज असदुल हक सॉरी एंग्रो के जो सीईओ थे इमरान उल हक इमरान उल हक सॉरी एंड उसके बाद उसने अब्दुल्ला अपने बेटे को भेजा मेरे पास और फिर उसके बाद तीसरी मरतब मरियम में ख़त लेके मेरे पास आए शाहिद भाई का शाहिद भाई खत खत ने ख़त ले जिस पर ख़त में इन्होंने लिखा था कि मेरे खिलाफ बयान दे दे और तू अपने आप को बचा ले एंड आई विल नॉट रियली फील बैडली कोई मसला नहीं है दो नहीं अपने आप को बचा ले कोई फ़ायदा नहीं आई नो क्या जेल में आना है तो फिर जब मैं जेल में चला गया तो मैंने कहा कि शायद भाई वो आपकी हैंड रॉटिंग समझ में नहीं आई मुझे तो, तो, मुझे नहीं पता नहीं सच्ची बात है कि ना कभी मियाँ नवाज शरीफ ने कोई गलत काम किया मुझे कहने का और ना शाहिद भाई ने तो मैं कैसे इनके खिलाफ बयान दे दूँ फिर पीपल हु डोंट नो हुआ तो ये था कि मिनट्स में था कि हम बिड नहीं देंगे और फिर बिड दे दी थी तो वो अलैज की गई करप्शन जो एल एन जी वाला केस था देखिए नहीं हमें जो पकड़ा गया था वो तो टर्मिनल के लिए पकड़ा गया यही था ना कि एंग्रो बिड उनके मिनट्स में था कि वो बिड नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने बिड कर दी थी तो दे देज के कुछ करप्शन हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने बिड की नहीं देख देख एक तो ये अगर करप्शन हुई थी तो एंग्रो ने करप्शन की होगी तो इमरान हकना तो बेचारे ने नहीं की होगी वो तो पेड इम्प्लॉय था एंगरो का उसको पकड़ लिया आपने तो पकड़ना था तो फिर हुसैन दाऊद को पकड़ थे नॉट दैट उसने करप्शन की ऑब्वियसली नहीं की है लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं तो नैब वालों को इतनी सिंपल सी बात कहता था कि यार ये अगर करप्शन हुई है तो ये महंगा लगा है इसलिए करप्शन हुई है वरना तो नहीं होती करप्शन की महंगा लगा है तो अगर ये महंगा लगा है तो कोई सस्ता होगा इससे प्लांट ठीक है इस ये पाकिस्तान में चलो इससे सस्ता नहीं है ये पाकिस्तान में सस्ता तरीन था तो कहीं दुनिया में सस्ता होगा मैंने नैब वालों को यह ओपन ऑफ़र की थी कि दुनिया में एक एक टर्मिनल दिखा दो जो एंग्रो के टर्मिनल से सस्ता लगाओ तो शायद भाई और मैं दोनों अपने आप को गिल्टी करेंगे हम लोग को दस दस साल जेल में रख देना तो अल्लाह की मेहरबानी से एक सस्ता टर्मिनल दुनिया में नहीं था ये बात दुरुस्त है कि एगरों ने डिसाइड किया था कि वो बिट नहीं करेंगे और इनसे बहुत कहा गया था कि खुदा बिट करो ठीक है क्योंकि ये तीन मरतबा पहले बिट कर चुके थे उसद उमर जब चैंगरो के चेयरमैन होते थे और इनको तीनों मरतबा ये प्रोसेस कैंसिल हो जाता था और हमेशा ही पाकिस्तान ने पाँच मरतबा अटैम्प्ट की थी दो मरतबा दरदारी साहब के ज़माने में तीन मरतबा मुशरफ साहब के ज़माने में पाँच मरतबा कैंसिल हुई थी तो फिर कोई लोग बिट ये बिट करना जो है फ्री में नहीं होता मतलब यू हैव टू डू अड स्टाफ डू दिस बिलडिंग तो उनसे बिट की और जब उसद उमर ने बिट की थी तो वो एक डॉलर की ऊपर की पेट थी पर एम एम जब ये इनको मिला है छः सौ का तो सिक्सटी सिक्स सेंट में करा था और जब चार सौ का और जब जब छः सौ करवा लिया चार सौ की जगह हमने छः सौ एम एम तो बयालीस तैंतालीस सेंट का मेरे ख्याल से कुछ है सो दिस इज़ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड इट रियली इज़ सो मतलब दुनिया में सस्ता तरीन टर्मिनल लगाने पर इन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से पाँच महीने मुझे जेल में रखा तो वी टॉक अबाउट करप्शन हम ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करते कि कितना नुकसान होता है एक नवाज शरीफ के खिलाफ आप लोगों को करने के लिए टॉर्चर करने के लिए जो हमें सस्ती एल मिल सकती थी वो नहीं मिलती एंड असद उमर जो आप बात करते हैं कि फर्स्ट दे केम फॉर द दे देश आई सेट नथिंग आप एंग्रो के सी ओ थे और इमरान उलक जिनको आप ढारकी से जानते हैं वो जेल में थे तब आपकी खामोशी थी पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी हम जरा इकानमी पे थोड़ा से जमते हैं मैं चाह नहीं रहा कि वो सियासी बयान ज्यादा हूँ बट आई फील लाइक नहीं देखिए मैं एक एक बात ये करना चाहता हूँ कि करप्शन दुनिया में हर जगह पे होगी और बहुत जगहों पे पाकिस्तान से ज़्यादा होती है लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क आगे बढ़ते हैं अब इमरान खान की सियासत में करप्शन का एक हवा बना रखा है आ, और इमरान खान कहते हैं कि उनको करप्शन नापसंद है तो फिर कभी कभी उनको सोचना चाहिए थे कि उस्मान बुजदार को ने रखा हुआ बेगम साहिबा के बारे में जो झुमके ले लेती नहीं झुमके नहीं माफ़ की जगह पांच कैरेट की वो जो फरा साहिबा थी वो खुद खान साहब ने जो कीमी चीजें जो लोगों को पैसे इनके वापस किए हुए सौ सौ नब्बे मिलियन पाउंड तो मतलब करप्शन अगर बुरी है तो इमरान खान के लिए भी बुरी है ना सारी तो नहीं है कि अपोजिशन की करप्शन बुरी है नंबर एक नंबर दो कि इस बार आई ने कहा कि आप ये करप्शन के ऊपर ग्रुप बनाए मैंने कहा बिल्कुल मैं खुशी से रेडी हूँ तो आप इसमें ये भी देखें कि इतने अरसें से नैब है कि नैब के आने के बाद करप्शन कम हुई है यह करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान में पेपरा रूल दें और आपने कितनी इनफिशेंसीज क्रिएट कर दी हैं कि द स्टेट ऑफ़ पाकिस्तान इज़ नाउ ऑलमोस्ट अ डिसफंक्शनल स्टेट इट ड वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान करप्शन इज़ नॉट वन एंटी करप्शन के लॉज इज़ वन ऑफ द इशूज़ बट नॉट द इंटायर इशूज देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच मेक पाकिस्तान नॉट वर्किंग फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉर द पीपल ऑफ़ पाकिस्तान और हमको ये सोचना पड़ेगा कि आज हम हिंदुस्तान से इतना पीछे कैसे हो गए आज हम बांग्लादेश से इतना पीछे कैसे हो गए हैं सीरियसली थिंक अबाउट दिस एन एवरेज बंगाली और एवरेज बंगलादेशी आई शुड सेवर्स लॉन्गरिज पाकिस्तानी एन एवरेज बंग्लादेशी इज थ्री ईयर्स मोर एजुकेट दैन एन एवरेज पाकिस्तानी तो कहीं ना कहीं तो बहुत लंबी गलती करी है ना इस्टेट ऑफ पाकिस्तान ने आप हिंदुस्तान आपके पास छः सौ बिलियन डॉलर्स का आप उसके पास रिजर्व हैं आपके पास दस बिलियन के रिज़र्व नहीं है मतलब एक उसकी 600 बिलियन डॉलर्स की रिजर्व है पूरी दुनिया की उसके पास ट्रेड होती है उसकी इज़्ज़त हो गई है दुनिया में डेढ़ सौ बिलियन का एक्सपोर्ट करता है हमारे पास क्या है डेढ़ सौ बिलियन का तो सिर्फ वो आईटी टी का एक्सपोर्ट करता है तो हमने वहीं पे शुरू हुए थे हम नबे तक इनसे आगे होते थे तो हमने क्या दिया है अपने लोगों को पचास बच्चा पाकिस्तान का पाकिस्तान की स्कूल में स्कूल गोइंग एज बच्चा स्कूल में नहीं है फिफ्टी परसेंट बच्चा स्टंटेड है जो एवरेज बच्चा सिंध में थर में बलूचिस्तान के अंदर जो है वो स्टंटेड है तो मतलब सीरियसली मतलब पीपल हु आर प्रिविलेज लाइक यू लाइक मी वी हैव टू क्वेश्चन आवर सेल्फ कि हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ पचास फीसद बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा इस मुल्क में स्कूल में नहीं जाता जब हम ऐसे ही में क्योंकि आपके यंग ऑडियंस होगी तो मैं ऐसे ही दूँ कि जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान साथ थे सत्तर का इंतव हुए तो मुजीबुररहमान साहब ईस्ट पाकिस्तान से जीते ज़ुल्फिकार अली भुट्टो साहब वेस्ट पाकिस्तान से जीते ईस्ट पाकिस्तान में एक सीटें थी तीन की असम्बली थी एक सीटें मुजीबुररहानी तीन सौ बासठ सीटें ईस्ट पाकिस्तान में थी और एक सौ अड़तीस सीटें थी वेस्ट पाकिस्तान में यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी उसमें से बाय द वे अवामी लीग जो थी वो साठ सीटें जीती थी एक सौ साठ सीटें भुट्टो साहब यहाँ पे कुछ अस्सी सीटें जीते थे एक सौ अड़तीस में से तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी आज ईस्ट पाकिस्तान फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की पापोलेसन पंद्रह साढ़े पंद्रह करोड़ है आप तेईस करोड़ पे पहुंच गए हैं हर साल आप पचपन लाख लोग पैदा करते हैं पचपन लाख लोगों से पॉपुलेशन बढ़ती पैदा तो ज़्यादा होते हैं पचपन लाख लोगों से ज़्यादा पापुलेशन बढ़ाते हैं आप कोई हराम है किसी हुकूमत ने एक मरतबा किसी किसी भी हुकूमत ने इंक्लूडिंग नून हुकूमत ने किसी ने पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर ध्यान दिया हो किसी मतलब आप सी बात करेंगे इस्लाम खतरे में आ जाता है हर आदमी मौलानी से आप डरते हैं मौलाना को इस्तेमाल भी करते हैं मतलब तो तो ये अजीब सा स्टेट हो गया वेदर पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत हो पाकिस्तान में सियासी हुकूमत हो इमरान खान की हुकूमत हो नून की हुकूमत हो पी टी आई की हुकूमत हो किसने पाकिस्तान की ये चीज़ें सलझाने की कोशिश करी है पॉपुलेशन बॉम्प पे कौन देखेगा ध्यान देगा इस स्कूलों के बंदर बच्चे को कौन पढ़ाएगा स्टंटिंग को बच्चे को कौन ख़त्म करेगा हम तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं कि ये एलएनजी के अंदर ये करप्शन करती वो करप्शन करती करप्शन नहीं होनी चाहिए और जो करप्ट नहीं है उनको पकड़ के जेल में डाल दो और जो करप्ट है उनको चीफ मिनिस्टर बना दो तो सर इन चीज़ों के क्या सोलूशन होंगे आप तो बहुत अच्छी को थीसिस भी है कि वी शुड कॉल आर सेल्स द वन परसेंट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की चौदह अगस्त पे भी आपने बहुत अच्छी स्पीच दी थी आई एडमायर यू फॉर सेइंग द थिंग्स दैट पीपल आर अफ्रेड टू से या पर्सनली जो बातें करते हैं उसके बरक्स टी वी पर जाकर बातें करें क्योंकि उनको पता है कि मार्जनलाइज कम्यूनिटीज़ जो हैं उनको थ्रो डेम अंडर द बस इज़ द इजिएस्ट पॉपुलस्ट वे टू गेट यू नो वो इन पाकिस्तान तो आपने उसके बरकस एक बात की ना है ना क्रेडिट यू फॉर सींग दैट ऑन टी वी इवन दो इट द बेयर मिनिमम के मत मारें स्टिल ये भी कहना अचीवमेंट है पाकिस्तान में तो क्या सोल्यूशन ये जो वन परसेंट है हमारा जिस तरह आतेफ यहाँ से मैं बात कर रहा था उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो बता दिए बट सेंस आप पोलिटिकल इकॉनमी में पी एच डी है आपका आप इनसाइड द मशीन ये कहना कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है तो आसान बात है सबको ही पता है किताबों में भी लिखा हुआ है Who stops these reforms from happening? Inertia. <coughs> Inertia, बहुत बड़ी फोर्स होती है इनर्शिया स्टॉप करती है पीपल थिंक ब्योक्रेसी थिंक्स के ना कोई भी चीज़ ना करना इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन कि वो मतलब इसको you know, उनके पर्सनल इंटरेस्ट में हो या ना हो कि कौम का इंटरेस्ट है कि, कि किसी चीज़ को आगे ना बढ़ने तो, तो ज्यादातर लोग उसके बाद कॉम्पिटेंस भी ब्योक्रेसी की बहुत कम हो गई है मैं सच बता रहा हूँ आपको ठीक है स्पेशलाइजेशन नहीं है मतलब बेसिक रिफॉर्म्स होने चाहिए कि वी शुड भी एबल टू लेट पीपल गो जब हमको पता है कि करप्ट है तो मतलब ठीक है सिस्टम में इतने करप्ट होते हैं सत्रह से अठारह ग्रेड में जैसे आर्मी के अंदर आप मेजर से कर्नल पर कितने लोग निकाल देते हैं तो इस तरह आप मतलब सत्रह से अठारह ग्रेड में कुछ निकाल दें उसके बाद तेरह ना निकालें लेटरल एंट्री हो जानी चाहिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि एक आदमी जो कि कामर्स इंडस्ट्रीज और इकनॉमिक अफेयर्स एंड फाइनेंस में रहे नो जिंदगी निकालो तो उसमें एक्सपायटरी हो जाए जो फॉरेन अफेयर्स देख रहा है वो फॉरेन और डिफेंस और ये चीजें देखता रहे अब किसी दिन आप उठा के एक दिन उसको इंटीरियर सेक्ट्री बना देते हैं दूसरे दिन उसको फाइनेंस सेक्ट्री बना देते हैं तीसरे दिन उसको पावर सेक्ट्री बना देते हैं तो इतनी स्पेशलाइजेशन कहाँ किसी के पास होती है देर आर स्टिल सम वेरी गुड पीपल बट नॉट इनफ एंड एंड वी नीड टू चेंज द ब्यूरोसी we need to reduce the influence of the armed forces on the politics of pakistan theek hai वेरी फ्यू पॉलिटन रूल सेट लेकिन सेट बट मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तान अब क्योंकि मैं फारो हो गया हूँ तो अल्लाह तौल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है तो मुझे ये कहना मेरे लिए फ़र्ज है मैं इससे पहले भी ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को हम इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं वो झूठ है हमको वन परसेंट रिपब्लिक कहना चाहिए मैं पहले कहता था, था खान साहब की हुकूमत थी कि आधे से ज़्यादा साठ फ़ीसद उनकी हुकूमत में एच एस एन कॉलेज से ए, लोग थे तो एक स्कूल लाहौर में है एच एस एन कॉलेज जिससे आधे से, से ज़्यादा आपकी पॉलिटिशन्स आते हैं और एक स्कूल कराची में जिधर आपके आधे अमीर लोग आते हैं कराची ग्रामर स्कूल जितने कराची के अमीर लोग हैं उनके बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं या एक आध और स्कूल में जाते हैं और इसकी दो स्कूलों के अलावा एक शायद कोई असन अब्दाल से एक आध बच्चा आ जाता है एक इस्लाम आबादा यू नो इंटरनेशनल स्कूल इस्लाबाद से आ जाता है बट दैट्स अबाउट इट मतलब तो काकुल एकेडमी से भी कहा आते हैं हां नहीं वो तो खैर उधर से आता है लेकिन चलो वो भी कहां से शुरू होते हैं वो भी आप देख लीजिए कि कितने जनरल हैं उसमें उसमें से भी आ, कितने से निकलते हैं लेकिन अभी कम अज कम आर्मी में ये हो गया कि चलो पहले तो एक था कि जनरलों के बेटे ही जनरल बनते थे लेकिन अब कम अज़ कम ये है कि मतलब यू नो सूबेदार के बच्चे भी आगे जाते हैं तो अच्छी बात है वो तो कम से कम यू नो I was city generals ke bete finance minister bhi ban jaate ah, kabhi kabhi कभी kaun bana hua hai asad umair acha theek hai so okay ji ab kya baat ja rahe hai main suggest bhi na karu pakki pakki video aaye mere liye nahi 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 main dekh ke kehta hu ki main aapko yehi bata raha ये वन परसेंट रिपब्लिक है यहाँ पर एक बस वाले का बच्चा या एक ड्राइवर का बच्चा जो है वो आगे जाके ड्राइवर ही बनता है ठीक है वो बहुत अगर बन गया तो वो एक क्लर्क शायद बन जाएगा सेठ का बच्चा सेठ ही बनता है ये तो क्या हुआ कि आप जो चूज़ भी करते हैं ना तो वन परसेंट लोगों में ही करते हैं सो दैट्स वाई यू नॉट लुकिंग एट द टैलेंट पूल अगर आप पूरे टैलेंट पूल से पाकिस्तानी से लें तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी वहाँ पर अमेरिका में आइंस्टाइन निकल के आ जाते हैं रिचर्ड फाइनमैन निकल के आ जाते हैं पता नहीं कौन कौन निकल के आ जाते हैं यहाँ पर नहीं आते वो निकल कर वो इसलिए नहीं आते कि वो तो कम वक्त कॉर्पेंटर होता है उसको आपने कभी तालीम ही नहीं दी होती है वो उसमें बड़ा जीनियस होता है या कोई पेंटर होगा या कोई मतलब यू नो कोई यू नो कोई ठेला निकाल रहा होगा छोले बना रहा होगा और उसमें जीनियस होगा लेकिन यू नो मतलब उसको कभी तालीम ही नहीं दी आपने और तालीम तो आप सिर्फ एक फ़ीसद लोगों को अच्छी तालीम देते हैं इस गवर्नमेंट के अंदर मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ और सिंध के अंदर बैठे हैं तो सिंध का खास तौर पर बोलता हूँ लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर कि मैट्रिक पास हुकूमत की स्कूल से मैट्रिक पास बच्चे से निकलवा लीजिए परसेंटेज पूछिए कि चालीस परसेंट बता दें सेवेंटी फाइव का मैं मानता हूँ एक बच्चा बताएगा आपको दस में से शायद मेट्रिक पास बच्चे दो जुमले अंग्रेज़ी के छोड़ दें दो जुमले उर्दू में लिख के दे दें अच्छी तरीके से व नहीं कर सकेगा तो ये दस साल बारह साल आप बच्चे को इस्कूल भेज रहे हैं आप तालीम तो दे ही नहीं रहे यो स्कूलिंग हिम विदाउट एजुकेटिंग हिम तो आव यू वेस्टिंग टाइम अरबों रुपए का रिसोर्स ज़ाया कर रहे हैं आप और वो बच्चे फिर आगे जाके नहीं पढ़ सकते अगर हिंदुस्तान के अंदर आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर फेसबुक और पता नहीं कहाँ कहाँ ये ट्विटर के अंदर सब के सी अगर हिंदुस्तान से आए हुए हैं और ये अमेरिकन इंडियन इंडियन अमेरिकन भी नहीं है ये इंडियन इंडियंस थे जो अमेरिका गए ये किधर से निकले के आए आई आई टी से आए तो 1950 की दिहाई के अंदर जब आप यहाँ पे यू नो गुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो हज़रा आजम रोज चेंज करते थे और साठ की दिहाई में जब अयूब खान साहब डैम बना रहे थे जो भी कर रहे थे तो उस ज़माने के अंदर नेहरू और यू you नो know, दूसरे जो शास्त्री एंड ऑल ऑफ दीज अदर पीपल दे वर सेटिंग अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हमने यहाँ पे क्या किया है अब आप बोलते हैं यार हमारे बच्चे भी तो टैलेंटेड हैं बिल्कुल हैं हमारे बच्चे एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते आपके बच्चे को क्या पता है आई टी का आपके बच्चे को छः महीने का कोर्स दिया हुआ है वो मतलब आई आई टीज में गए हुए हैं सो आई मीन यू हैव यू हैव यू बिन जस्ट एंड फेयर टू योर चिल्ड्रन यू नॉट मतलब मैं बिल्कुल तो मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ बातें एक बात बता रहा हूँ मेरे एक दोस्त है नसीब बेग साहब मुझे यही बोलते हैं कि तू लेफ्टी हो गया लेकिन मैं बताऊँ मैं तो शिवाज साहब बोलता था तो एकदम सोशलिस्ट बातें करने लगे तो आई एम आई बिलीवर इन फ्री मार्केट्स ठीक है लेकिन दिस इज रिग्ड दीज इज़ दीज आर रिग्ड मार्केट दीज आर नॉट फ्री मार्केट ठीक है दो चीज़ें रियासत के ऊपर ज़रूरी हैं मैं समझता हूँ दो चीज़ें एक हर बच्चे को तालीम दे दे डिस और सेहत दे दे ठीक है क्योंकि बग़ैर सेहत के तालीम नहीं चल सकती है ठीक है ये चीज़ रियासत करते ताकि मेरे बच्चे के सामने मेरा बच्चे को मैं एक महंगी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसके बाद उसको वो क्योंकि पागल भी हो होशियार भी हो नहीं भी हो तो उसको ट्यूशन भी पढ़ा दूंगा तीन ट्यूशन लगवा दूंगा ये करवा दूंगा तो कुछ भी करके उसको मैं ग्रेजुएट करवा दूंगा ठीक है वो गरीब आदमी के बच्चे के पास क्या शॉट है मेरे बच्चे से कम्पीट करने का तो ये रियासत के ऊपर होना चाहिए कि उसको तालीम तो अच्छी दे दें आपने तालीम के अंदर टीचरों को हायर करने का प्रोग्राम कर दिया है कि तालीम आप नहीं देते बस आप बस भर्ती कर रहे हैं टीचरों को टीचरों को भी, भी बेचारों को मैट्रिक का निसाब करने नहीं आता मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दस में से एक बच्चा परसेंटेज नहीं निकाल सकता मैं आपसे अगली बात ये कहूँगा कि दस में से पाँच टीचर परसेंटेज नहीं निकाल सकते सर ये तो ये आप इस रियासत को आप ऐसा कर चुके हैं कि जहाँ पे इट डजन वर्क फॉर पाकिस्तानी एंड समथिंग हैज़ टू चेंज सर ये इसी बिल्कुल इसी बात पे आपने टेट टॉक भी दी हुई है एंड आई एग्री विद ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड बट हाउ डू यू सिंथेसाइज और कॉग्नाइज के आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं जो उसी एलीट में से आती है या एक एलीट पॉलिटिक्स होता है या एक एलीट सर्कस ही हम उसको समझें कि आपस में पीपीपी पीटीआई पी 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 आती है यस प्रोग्रेसिव चीज़ें बेहतर होती हैं बे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया वाज अ ग्रेट प्रोग्राम उसको पी एम ने कंटिन्यू किया ग्रेट थिंग पेंडेड इन टू एहसास ग्रेट थिंग बट एट एंड ऑफ़ द डे अगर आपकी शिकायत सिस्टम से कि सिस्टम बना हुआ ही रिग्ड है दैन वाई यू वर्किंग विद इन द सिस्टम फॉर सेम एलीट मैं क्या मतलब क्या, क्या जहद करूँ अपनी सियासत के ऊपर नहीं मैं पूछ रहा <laughs> मतलब मैं देखें ना अल्लाह की मेहरबानी से इस सिस्टम ने मुझे ये प्लेटफार्म दिया है ना कि मैं आपसे आके ये बात कर रहा हूँ इस सिस्टम ने आपको ये प्लेटफार्म दिया है ना कि ये लोगों से बात कर रहा हूँ और मतलब सीरियसली uh, मतलब देखें हर सियासी उसका कंट्रीब्यूशन है इमरान खान का एक कंट्रीब्यूशन है कि उसने बहुत नए लोगों को ख़ातन को यंग लोगों को अवेयर करवाया लेकर आया लेकिन इमरान खान जो बातें करता है एक लिहाज से देखा जाए तो दो तीन इसकी बातें एकदम दुरुस्त हैं कि भाई जो है वो मेरिट पर होना चाहिए करप्शन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह मगर

पैसिफिक ओशन निकल जाएगा उनके कॉल ऑफ फेल में ठीक है वो खुद करप्शन के निजानदाता हैं और रूडा के वो वो हैं और फ्रेंग, और, ख़ुद हिपोक्रेसी और यू नो मेरिट के तजियाँ उड़ाई हैं इन्होंने और क्या क्या किया है और वही अपने बलबूते पे मतलब उनकी पार्टी जो है वो सिर्फ सिर्फ इमरान खान पे फोकस ना विदाउट इमरान खान पीटीआई नथिंग पीटीटूशन तो नहीं की इन्होंने पार्टी Uh, तो जो वो दूसरों पे करते हैं अबाउट डायनेस्टीज एंडली बडी एल्स बट मुझे एक प्लेटफॉर्म है और अब नौकरी के उससे भी बहुत से भी आजाद हूँ तो आई टॉक अबाउट दिस विदाउट गेटिंग लेकिन आई थिंक दैट पाकिस्तान ई स्टेट है पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट वर्किंग सो माई आई एम राइट विंग फ्री मार्केटर राइट फ्री मार्केट फ्री मार्केट बिलीवर लेकिन आई स्टिल थिंक स्टेट हैज़ ओनली टू बाकी मैं बाकीन हूँ सीरियसली लेकिन स्टेट हैज़ टू टूशन वन प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल एंड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल बाकी एजुकेशन दे दो uh, उसके बाद वो बच्चा जो उसको तैरना सिखा दो फिर वो खुद तैर लेगा सर आपसे मैंने पूछा था कि कौन रिफॉर्म नहीं होने देता आपने ब्यूरोसी का जिक्र किया लेकिन आप कॉम्पिटेंट इंसान हैं आपको ये चीज़ें पता भी हैं आपने जब नॉन यूटिलिटी टैक्स लगाया था लैंड के ऊपर And that was 1 of something. So, बहुत ही अगर आपकी कोई पाँच करोड़ की प्रॉपर्टी है तो शायद लाख दो लाख रुपये आपका टैक्स लग रहा था आई बिलीव दैट वॉज ऑल्सो नॉट पास थ्रू एंड इट इज द लॉ दैंड लॉन्ड वो जो सेवन ही कर रहा है कि हम इम्प्यूट करते हैं कि ये रेंट होगा आपका खाली प्लॉट पे लेकिन उस पर वो लोग कह रहे हैं कि वफा की हुकूमत लगा नहीं सकती सूबे लगा सकते हैं तो उस पर एक बहस चल रही है आ, पाकिस्तान में देखें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है एन एफ सी अवॉर्ड में समझता हूँ तब्दील होना चाहिए सूबों को तो आपने सारे पैसे दे दिए ज़िम्मेदारियाँ वफाक ने अपने पास अपनी कम नहीं की हैं सारे का सारा टैक्स वफाक जमा करता है सूबे के ऊपर ये मुश्किल नहीं छोड़ी है सुबह को अगर अपने पैसे खर्च करने का शौक है तो वो अपने पैसे खुद वो भी करें लोकल होंगी तो तो लोकल टैक्स टेक और, 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 मैं तो, देखें दो चीज़ें या तो लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और बनने चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि हर डिवीजन एक सूबा होना चाहिए ये कम अज कम ये ना हो तो लोकल हुकूमतें इम्पावर्ड होनी चाहिए डायरेक्टली अदरवाइज तो ये इन पाकिस्तान एवरी नॉट जस्ट इन सिंध कि कराची के ये बात नहीं करते क्योंकि लोग यही बात करते हैं लेकिन कराची के अलावा ये जो पाँचों डिवीज़न है वो सारे के सारे एम्पावर्ड सिंध में होने चाहिए पंजाब के अंदर सारे के सारे डिवीज़न एम्पावर्ड होने चाहिए के पी के अंदर भी आ, और बलोचस्तान में भी एंड यू नो गलान एंड एंड आज़ाद कश्मीर तो लोकल गवर्नमेंट शुड भी एम्पावर्ड एंड सब्सटैशली एम्पावर्ड एंड बट द थिंग इज़ इसके जो मेरा पॉइंट है कि जो वफाक अपना टैक्स देती है सूबों को दे उसका एक परसेंटेज सेट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है लेकिन सूबों को भी जिम्मेदारी दें कुछ टैक्सेस सूबों को डिवॉल्व कर दें कि सूबे अपना टैक्स खुद लगाएं कि जो पैसे खर्च करता है जो लोकल गवर्नमेंट की थ्योरी वही है कि जो पैसे खर्च करता है वो पैसे खुद रेज भी करे ना अब पिछले दस सालों में यह ग्यारह सालों में सूबों का जो है चार साढ़े चार सौ सा फीसद जो है खर्चा बढ़ गया है एम्प्लॉज इंप्र, इंप्र, के ऊपर क्योंकि पैसे ऊपर से आ जाते हैं तो लेट दम रेज देर ओन मनी मनील लोकल गवर्नमेंट्स को और एजुकेशन भी लोकल तक पहुंच जाना चाहिए लेकिन एजुकेशन को बेहतर करना जैसे आप रियल स्टेट रिफॉर्म की भी बात कर रहे हैं रियल इस्टेट कितने स्ट्रॉग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंडर तो वो नहीं होने देंगे पॉलिटिशंस politi को बुरा भला बोलना भी गलत है कि उनके पास पावर नहीं है आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और कुछ ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट की सो यू हैजू रिट्रीट सो इफ यू कॉन्ट आई मीन दाइनेस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वो पूरे पाकिस्तान के जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं जो रियल स्टेट कंट्रोल करते हैं वो उनके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं अच्छा ये रिटेल के ऊपर जो बात है उसको मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ कि हमने रिट्रीट नहीं किया था फुल तरीके से थोड़ा सा रिट्रीट जरूर किया <laughs> था टैक्टिकल रिट्रीट इट <laughs> वाज अ <था>, टैक्टिकल रिट्रीट नॉट अ सरेंडर वो यही था कि इसमें मेरी मेरी दो गलतियां थी एंड मैं ये मानता हूँ कि इट वाज और माय फॉल्ट ठीक है गलती नंबर एक मेरी ये थी कि मैंने छोटे ट्रेडर से कंसल्ट किया लेकिन मेरी रसाई बहुत मैं हमने पान जो वालों से नहीं किया पान वालों से नहीं किया ठीक है मैंने पंक्चर लगाने वालों से नहीं किया लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वालों से कर लिया तो एक मेरी ये गलती थी ठीक है दूसरी गलती ये थी कि हमने मैंने और प्रायम साहब ने एग्री किया था तीन हज़ार रुपये और जिन लोगों से मैंने ट्रेडर से भी एग्री किया था वो तीन हज़ार रुपये एग्री किया था वो ये था कि जो एक एफ बी आर का लॉ है कि जो आदमी ए टी एल में जो एक्टिव टैक्स पेड नहीं होता उसको हर टैक्स डबल हो जाता है तो वो उन्होंने तीन की जगह छः कर दिया वो एफ बी आर वालों ने कर दिया और हमने किसी को बताया नहीं लेकिन बहरहाल वो मेरी गलती है कि मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे पूछ लेना चाहिए था कि भाई ये क्या हुआ तो वो जब बिल आया तो वो छः हज़ार के आ गया और एक छः हज़ार एक पान वाले को आ गया एक छः हज़ार इसको आ गया तो बड़ा झटका आया प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ता तुम जो है वो तुम छोड़ दो मैंने कहा अच्छा सर पहले सौ यूनिट वालों को छोड़ देता हूँ उनका नहीं यार मुफ्ता ज़्यादा दो सौ यूनिट को छोड़ दो तीन सौ यूनिट को मैं क्या सर तीन सौ तो फिर छोड़ सबको ही छोड़ दें फिर क्या बेकार है क्यों तकल्लुफ़ करना उनका तीन सौ दो सौ को छोड़ मैं दो मैं क्या दो सौ को छोड़ देता हूँ दो सौ यूनिट को मतलब ये टैक्स जो है वो छोड़ देते हैं और पिछले टैक्स जीम में चले जाते हैं जिसमें पाँच और दस परसेंट लगते थे उसके बाद हमने मैंने एक ट्वीट किया मैंने कहा था डेढ़ सौ छोड़ा तो का फोन आया कि तुमने मुझसे दो सौ की बात की डेढ़ सौ किया मैं कहा सर वो बार्गेन के लिए रखा है मैंने तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बार्गेन करने आई डोंट वांट टू बी अ रेसिस्ट अबाउट दिस बट आपकी वो मेमन ट्रेनिंग काम आती है ठीक <laughs> <थीए>, है मैंने <laughs> सर बार्गेन के लिए रखा है तो अब यह कि हमने दो को छोड़ने का ऐसे होता कि दो को छोड़ देंगे उसके बाद लगा लेंगे उसके बाद हम देख रहे थे पैसे पूरे फिर मैं मैं बिजली वालों के साथ बैठा था खुरम दस्तगीर साहब भी आए मेरे पास राशिद लंगड़ियाल साहब भी आए और उन्होंने कहा कि सर देखें ये तीन महीने जो है ना हम बिजली के अंदर वैसे ही लोगों को बा कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर जु, जु, जुलाई अगस्त सितंबर में तीन महीने में हम वैसे ही लोगों को बा कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी डाल दिए हैं इस यू you नो know, पिछले क्वार्टर के जिसको क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स कहते हैं फ्यू एडजस्टमेंट चार्जेस भी आएगा क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आएगा जो कि खान साहब ने पिछले क्वार्टर में नहीं किए थे और जो एक साल पहले इन्होंने वो किए थे नहीं किए थे फ्री बेस्ट वो भी हमने किया था वो तीनों जो थे वो खान के दोनों गुना और मेरा अपना इस साल का अपना गुना वो तीनों एक साथ ही यू नो हमारे तीनों के गुना जो थे वो आवाम उसकी उसकी इबादत करने पर मजबूर था रही खमियाजा आवाम बाजार भर रहा था वो तीन गुनाहों के तो उनका यार सर अब इसके ऊपर अगर आप टैक्स लगाएंगे तो फिर आपने कसम से मतलब ये मतलब दिस इज़ द लास्ट और दैट इज़ गोइंग टू तो ब्रेक द कैमल्स बैक तो बिजली वाले भी मुझे कह रहे हैं कि ये ना करो आप अक्टूबर से कर लो मेरी बहन मरियम का भी मुझे फोन आया कि मुफ्ता भाई अब कुछ कोई भी तो सपोर्टर नहीं रह गया अब खाली रिटेल वाले रह गए <laughs> इनको तो माफ कर दो ठीक <laughs> है एक एक करके हमने हर हर इंटरेस्ट ग्रुप को तो हमने नाराज कर दिया है आखिरी ये आखिरी ये रह गया ठीक है और मुस्लिम लीग का मतलब यू नो कि स्मॉल ट्रेडर्स इन पंजाब स्पेशली ठीक है यहाँ से तो फैसल किसी और ने भेजा है आपको और नॉट जस्ट मुस्लिम लीग मैं बोलूँ यहाँ से फैसल सफवारी मुझे बोल रहे हैं कि मुफ्ता भाई ये क्या कर रहे हो ने फिर एम के जो भी दोस्त है हमारे ट्रेडर्स वो भी शुरू हो जाते थे के पी से भी आ गए मैं मैं एक चीज़ थी कि मैं सबसे मिल लेता था ठीक है उनकी बात मैं मानूं या ना मानूं लेकिन आई फ्रॉम कराची एन मरदान एन पिशावर एंड यू नो ए, जे यू आई तो, के तो लोग आते थे मेरे पास जे यू पी के अवैस नरानी ने मुझे फ़ोन किया कि, कि किसी एक आदमी से मिल ले वो हमारे एक यू नो जे यू पी के लोग थे तो मैंने कहा जरूर मिल लूँगा मैं उनको पता नहीं मरदान शहर के थे किस शहर के थे वहाँ पर जो जो ट्रेडर्स का सदर था वो वो परेली होगा और अवैस नूरानी से लाइन था तो वो भी आ गया मेरे पास मैं सबसे मिलाऊँ लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हो गई थी कि डेढ़ सौ का छोड़ना है फिर मुझे उन्होंने कहा लंगड़ेल साहब ने जो हमारे पावर सेक्टर की मेरे भाई ये ना करो आप इसको फिक्स को ख़त्म करके वेरिएबल पर चले जाओ फिर वो पावर सेक्टर वालों के साथ बैठ के हमने हिसाब किया कि पहली जुलाई तक से पहले के पहले अक्टूबर तक छोड़ देते हैं पहली अक्टूबर से फिर हम वापस ये लगा देंगे तो इस वक्त भी ऑलरेडी पाँच और सात लग रहा है साढ़े सात फ़ीसद इनकम टैक्स और पाँच फ़ीसद सेल टैक्स अच्छा अब उसके बाद पचास फ़ीसद यानी कि फिफ्टी फिफ्टी यूनिट्स तक दुकान छोड़ रहे थे जो कि पचास से थोड़े से कम फ़ीसद दुकानें होती हैं उसके बाद की जो दुकानें ना उसके बाद हम पाँच को साढ़े पा, सात करेंगे और साढ़े सात को दस करेंगे एंड प्रोग्रेसिवली बढ़ाते रहेंगे और उससे हमारे सत्ताईस अट्ठाईस अरब रुपये आ रहे थे तो हम इकतालीस अरब की जो प्लान था उसकी जगह सत्ताईस अट्ठाईस अरब रुपये आए तो मैंने कहा चलो ठीक है तेरह अरब रुपए का मुझे गैप ढूंढना था वो मैंने तेरह की जगह ज़्यादा है पैसे लगा दिए उसकी तरफ सिगरेट के ऊपर तो वो भी साथ साथ मैंने टैक्स किया कि सिगरेट के ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया क्योंकि कुछ सिगरेट की हमने कंपनियाँ बंद करवा दी थी जो के पी में आठ कंपनियाँ है जो कि बेसिकली टैक्स की चोरी पर चलती हैं तो उनको जब तक कि उनकी सेल्स लिमिट ना हो तो उनकी सेल्स लिमिट हो जाएगी तो मेरा आगे से दूसरी तरफ से टैक्स बढ़ जाता है तो वो भी हम साथ साथ काम कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत वो था कि यार सिगरेट को जो है मिफ्ता एकदम महंगा कर दो टैक्स ये वो तो वो फिर थोड़ा सा टैक्स लगा दिया तो हमने वो कर लिया था वो बैलेंस कर लिया था अभी अक्टूबर से हमने सोचा था कि फिर इसको वापस बहाल कर देंगे टैक्स को बट सर जो पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिशियन कितनी पावर है तो क्वेश्चन मतलब आतम यह की अगर जो एक सेंट्रल थीसिस है कि रियल एस्टेट में इतना पैसा है पाकिस्तान के अंडर बट अगर आतम यह की एक सेंट्रल थीसिस है कि, है कि आम, रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का उसमें इतना पैसा है कि वो प्रोडक्टिविटी आप इंसेंटिवाइज ही नहीं करते मैं मेरे पास अगर थोड़ा पैसा आ जाए या मैं समझूं मेरे अब्बा की फैक्ट्री है मैं सोचूं फैक्ट्री चलाऊं बिजली भी नहीं आएगी ट्रांसपोर्ट करूं बिजली के मसले आ जाएंगे एल नहीं खुलेगी मैं पागल हूँ मैं बहरिया टाउन में छः सात प्लाट लेके घर पर रहूँ सो so जब रियल इस्टेट इतना लोक्रेटिव होगा हाउ कैन यू मेक इंडस्ट्रीज और हाउ कैन यू सेंड एनी पर्सन इन द प्रोडक्टिविटी एंड देन पॉलिटिशंस डोंट हैव द करेज टू यू नो कंट्रोल द रियल एस्टेट सेक्टर तो पाकिस्तान कैसे फिक्स होगा तो फिर करेज पैदा करें तो क्यों नहीं करते करेज पैदा आप बताए ना कितने कितने सियासतदान हैं जिन्होंने नाम भी लिया है मलिक रियाज का एक तो मैं हूँ लेकिन मलिक रियाज को छोड़ दें एक मतलब मलिक रियाज एक्चुअली सिम्टम इज नॉट द कॉज बट द थिंग इज के उन यू नो के ही डिलीवर्स ठीक है मतलब यू नो इट्स ए गुड लिविंग स्टैंडर्ड तो वाई आर वी नॉट डूइंग दिस बट इसको थोड़ा आगे mm -hmm. करें तो प्रॉब्लम विद रियल इस्टेट सेक्टर इसके लिए रियल इस्टेट सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री होती है इससे आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड भी ख़राब हो जाते हैं आपकी इकोनॉमी इनकम्पेरेटिव हो जाती है और आप कोई देखो कोई रियल स्टेट से कोई एक्सपोर्ट तो नहीं होता ना इम्पोर्ट mm -hmm. हो जाता है पेंट अगर इंपोर्ट पाकिस्तान में बनता है तो पेंट के कुछ इसेंशियल केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं अगर दीवार के मतलब यू नो मतलब बहुत सारी चीज़ें कीनों के स्टील इंपोर्ट हो रहा होता है वगैरह वगैरह मोटरें इंपोर्ट हो रही होती हैं बल्ब इंपोर्ट हो रहे होते हैं शेंडलियर्स इंपोर्ट हो रहे होते हैं किचन इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रहे तो द मोर रियल इस्टेट होती है आपकी इम्पोर्ट भी पड़ती है इस तरह इस तरह सोच लें और आपकी जो 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 मीशत के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं आपसे करवाते हैं तो आप लोग कम्पेरेटिव हो जाते हैं हम हम हमारी इफिशेंसी बढ़ जाती है वो नहीं होती रियल इस्टट से और क्योंकि रियल इस्टेट ट्रेडेबल नहीं है अक्रॉस बॉर्डर्स तो उसके अंदर जितनी भी इनिफिशेंसी है फ़र्क नहीं पड़ता है पाकिस्तानी जो हैं वो दो जगहों पे पैसा रखते हैं जो स्टोर ऑफ वैल्यूज़ पाकिस्तानीज के लिए वो दो हैं एक सोना है और एक रियल इस्टेट है सोने को तो आप टैक्स कर नहीं सकते लेकिन रियल स्टेट को टैक्स करना चाहिए रियल इस्टेट को टैक्स करने का एक फ़ायदा ये भी होता है खास तौर पे एम टी रियल इस्टेट को कि स्पेकुलेशन कम हो जाती है और जनरेशन टू तो जनरेशन ट्रांसफ़र कम हो जाता है मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी कहा था कि थोड़ा सा यू नो डेथ टैक्स लगा दो कि यू नो इफ द इशू इन पाकिस्तान इज़ लाइक आई थिंक इट्स वन परसेंट कि अमीर लोगों के लिए मुल्क बना है ठीक है एंड अमीर लोगों के लिए हैव फैंटास्टिक लाइफ इन पाकिस्तान इन इी इफ यू हैव वेरी लिटिल मनी फ्राम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यू हैव जस्ट इनक्रेडिबल क्रेडिबल लाइफ राइट तो क्योंकि ये अमीर लोगों के लिए मुल्क बना है पाकिस्तान अगर आप तो ये जनरेशन टू जनरेशन वेल्थ ट्रांसफर होती है इसको इसको अगर आप टैक्स करना शुरू कर दें और उस पैसों को अगर आप एजुकेशन में डाल दें वगैरह वगैरह तो बेहतर होगा लेकिन द थिंग इसके देंगे मैं आपको जो कह रहा था ना कि मैं फ्री मार्केट बिलीव करूँ आई डोंट थिंक गवर्वमेंट शुड भी गवर्नमेंट शुड बी रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग श्योर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड पोर चिल्ड्रन एजुकेटेड बट इट शुड नॉट भी गवर्नमेंट जॉब टू प्रोवाइड दट एजुकेशन हुकूमत को स्कूलें नहीं चलानी चाहिए हुकूमत को जो से शिवाज शरीफ ने भी पंजाब में क्या था हुकूमत को वाउचर दे देना चाहिए कि हर बच्चे को पंद्रह सौ रुपए दो हज़ार रुपये फ़ी महीने का वाउचर दे दिया कि बेटा तुझे जहाँ पढ़ना है बेटी तुझे जहाँ पढ़ना है तू पढ़ ले यू नो आपको मैं बता रहा हूँ कि यू आर स्पेंडिंग फार मोर मनी मतलब तो पाँच दस हज़ार रुपये फ़ी बच्चा है अगर आप हिसाब कर लें से पंजाब में पर मंथ तो आप वो पाँच पाँच हज़ार रुपये के बच्चे को लाइसेंस दे लें वो अच्छी स्कूलों में पढ़ लेंगे लेकिन आपने क्योंकि स्टेट बनाया कि जिसमें आपने टीचरों को नौकरियां देनी है क्योंकि आपको वोट मिलते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं तो पूरा एक एक एको सिस्टम बना हुआ है ना ये ख़त्म करें एको सिस्टम को और अगर आपको हुकूमत में रखना है तो पेरेंट्स को एम्पावर कर दें कि हर पेरेंट स्कूल बोर्ड के हेड हों स्टेट्स को रियल एस्टेट चलाना चाहिए बिल्कुल नहीं रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी सोलूटली नॉट काम क्या स्टेट को तो कोई चीज़ नहीं चलानी चाहिए प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए हर डिस्को को बेच दें हर गैस कंपनी को बेच दें ओ को बेच दें पी को बेच दें हर चीज को पी को बेच दें रेलवे को बेच दें और बिल्कुल ये स्टेट का, का काम नहीं है कि पेट्रोल पंप चलाए या हाउसिंग सोसाइटी जहाँ सारे नाराज हो जाएंगे <laughs> नाराज हो जाए तो नाराज हो जाए थोड़ी तो हमें मैं मैं आपको बताऊँ एट दिस पॉइंट अल्लाह तुझे दो मरतबा इस मुल्क का वजी ख़जाना बना दिया है एंड जो जो चीज़ें मैं चाहता था दुनिया में ज़िंदगी के अंदर आसाइश मिल सकती थी वो अल्लाह ने मुझे दिए इज़्ज़त दिए अब कोई अगर नाराज़ होता है तो

नहीं है नहीं है ठीक है लेकिन मतलब पॉलिसी तो बन रही है ना मतलब ये कि मतलब यस आई मीन I mean, हमको अपनी कैपेसिटी हर जगह पे बढ़ानी चाहिए इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इकोनॉमिक विंग क्यों नहीं होता तो आप कहेंगे होता है बट प्रॉपर वाला तो नहीं होता जैसा थिंक टैंक हो रिसर्च पेपर आएँ कि आई थॉट कि मुस्लिम लीग ने पिछले चार पाँच साल में बड़े पर्चे निकाले हैं वाइट पेपर निकाले हैं मैं था बिलाल के अनी था डार साहब लंदन से मदद करते रहे थे मुसदक मलिक यू नो एहसान राना एहसान Uh, उसके अलावा एक दो मोहम्मद अली भली था राना मशहूद मदद करते थे uh, हाँ एहसान राना जुबैर एक एक मैं तो इकोनॉमिक्स बट क्यों नहीं एक टीम पीएचडी की जो बैठे अच्छा चले हम नहीं कर सकते लेकिन करना चाहिए अगर हम पावर में तो आ गए तो किया ना हमने बहुत सारी चीजें तो नहीं आ रहे वो क्या करती ना तो प्लान तो ना एक 10 साल एम श्योर आर सेल्फ कंसल्टिंग वो 10 साल का प्लान नहीं देखें 10 साल का 5 साल का प्लान मुस्लिम लीग का एक होता है प्लान तो हमारा होता है लेकिन मतलब उस शायद उस, उस उस उस, जिस तरह इवन जिस हम इंडिया रहा? में देखते हैं कि बीजेपी आल्सो हैज बीजेपी डज दिस फॉर ऑल ऑफ देयर फैशन टेंडेंसीज उनका एक इकोनॉमिक विंग है जहां पॉलिसी मेकर्स बैठकर पावर में आने से पहले बोलते हैं अच्छा ये पाँच दस साल हम ये करेंगे सो द पेपर्स एग्जिस्ट मुझे सीरियसली आई बीजेपी को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता अच्छा Pakistan, uh, नंबर एक पाकिस्तानी बच्चों को एजुकेट करो नंबर दो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ नंबर तीन एक्सपोर्ट बायस पैदा कर दो और जो डोमेस्टिक मैनुफेक्चरिंग एक्सपोर्ट के ऊपर है उसको एक्सपोर्ट के ऊपर डालो एंड नंबर फोर जिस जिस चीज़ से ये सब हो जाएंगी तो स्टार्ट लिविंग विद इन योर मीस ये चार चीजें कर लो पाकिस्तान में खुद बुद्ध एक्सपोर्ट हो जाए इसमें फाइव भी ऐड कर देता हूँ जो आप पहले बोल चुके हैं शायद अभी बोल रहे हैं बट वो uh, तो वो हॉब्स ने कहा था ना कि लाइफ वुड बी नास्टी ब्यूटेशन शॉर्ट बट फॉर अ स्टेट तो वो स्टेट तो होना चाहिए ना uh, जफर मसूद ने अभी एक आर्टिकल लिखा है पेंशन टिकिंग बॉम्ब का कि जो पेंशन दे रहे हैं वो फट जाएंगे और कोई उस पर फोकस नहीं कर रहा यू हैव अ टेक ऑन दैट He is absolutely right. लेकिन ये पाकिस्तान तो लेकिन ये पाकिस्तान में बार चीज ही एक है है घड़ी लेकिन बात कि जो तीन मैं आपको इस तरह बताऊं कि घड़ी आर... है और वो सारी किसने चुरा ली <laughs> <थे>। <laughs> 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 वो जब मैं लास्ट टाइम वजीरा खजाना था तो तीन सौ अरब रुपए पेंशन के थे और चार सौ अरब रुपए तनख्वाह के थे इस बार जब ये आखिरी बजट में साढ़े छः तीन सौ से बढ़ के साढ़े छः सौ हो गई है पेंशन और तनख्वाहें चार सौ से बढ़ के साढ़े पाँच सौ तो तनखा से डबल स्पीड पे बढ़ रहा है पेंशन जो है वो पे, पेंशन भी लेट डूबेगी लेकिन उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें लेट डूबेगी ये पेंशन फंड्स जो होते हैं हर जगह जो एक्चुअली वापस इकानी में प्रोडक्टिविटी में लगा दिए जाते हैं पाकिस्तान में तेरह डिग्रीज ऑफ पेंशन हैं एक साहब अगर हुकूमत में काम करते हैं उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी बेवा को पेंशन मिलेगा उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके वालदेन को पैसे मिलेंगे वालदान का इंतकाल हो जाता है तो उनकी बच्चों को पैसे मिलेंगे गैर शादी शुदा बेटी को पैसे मिलेंगे उनका इंतकाल हो जाता है तो मेरे ख्याल से कोई माँ के भाई को मिलेंगे मतलब तेरह रिलेटिव हैं जिनको पैसे मिल रहे होते हैं अजीब सा एक पेंशन का सिस्टम है इट रियली नीड्स गलती करती हूँ कर <laughs> जॉब सी है ये <laughs> कराची की है शायद लेकिन हूँ तो आगे पीछे अभी आपने टमाटर की भी बात की थी उस पर भी इतनी पॉलिटिक्स होना शुरू हो गई थी खान साहब के टाइम में हमने देखा कि खान साहब इस कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने अप्रूव कर दिया इस प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट कर दिया इतना क्यों पोलिटिस हुआ ट्रेड विद इंडिया पर्सनल ओपिनियंस अबाउट ट्रेड विद इंडिया मैंने जो तो ये कहा था कि हिंदुस्तान से प्याज और टमाटर ले लो जब 400 रुपए का टमाटर हो गया था और 300 रुपए की प्याज हो गई थी और उस पे कितनी पॉलिटिक्स हुई फिर तो फिर वो लेकिन इसमें मतलब ये कि पाकिस्तानी सियासतदान थोड़े से रिलेक्टेंट थे लेकिन करने की बात थी लेकिन हिंदुस्तान के सियासतदानों ने भी कोई मेरा मेरा जो बयान था ट्वीट था वो हिंदुस्तान के अखबार में छपा था लेकिन उन्होंने भी कोई मिसबत जवाब नहीं दिया वो भी बड़े फैशिस्ट टाइप के लोग हैं लेकिन सच्ची बात है मैं आपको एक थोड़ी सी अगर इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि देखिए कि हमारे टमाटर या प्याज ना लेने से हमको हिंदुस्तान कश्मीर दे देगा या अगर हम दवाइयाँ इमरान खान के ज़माने में दवाइयाँ लेना शुरू कर दी थी तो दवाइयाँ लेने की वजह से कश्मीर नहीं मिल रहा है वट इज़ द इशू हेयर इज इंडिया स्पेंडिंग एट टाइम्स मोर मनी देन वी आर ऑन ऑन डिफेंस इट इज आर वी एबल टू इवन कम क्लोज टू मैचिंग दिस नो वी आर नॉट बाई हैव अ वेरी स्मॉल वी डोंट हैव द मनी हिंदुस्तान की आज बड़ी इज्जत है दुनिया भर में क्योंकि पैसे की वजह से इज्जत है ट्रेड की वजह से इज्जत है दुनिया के अंदर आप देखें कि कितनी एयरलाइन जो है वो बॉम्बे और दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाती हैं और कितनी एयरलाइन कराची और लाहौर के एयरपोर्ट पर आती हैं कुछ अर्से पहले की बात है मैंने देखा था कि ढाका का शाहजमाल एयरपोर्ट पर ज़्यादा एयरलाइने आती हैं फ़ॉरन कंपेयर टू कराची लाहौर एंड इस्लामाबाद कम्बाइंड ठीक है सो यू के नॉट टॉक अबाउट Security, without talking about economic strength, so we have to improve our security, and only then we can improve our economic strength. Oh, sorry, we have to improve our economic strength, and only then we can improve our security. And and we have to rethink. Uh, we have to really rethink um, our security policies. एंड 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 रीजनल ट्रेड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके बारे में हमको सोचना चाहिए हिंदुस्तान से अभी नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान की ये जो हुकूमत है मोदी साहब की इसने तो अपना सारा पॉलिटिक्स ही एंटी मुस्लिम हेट्रेड पर बनाई हुई है तो इससे इतनी दोस्ती नहीं हो सकेगी कभी मे भी हुकूमत इंडिया की हुकूमत कभी बेहतर हुकूमत आ जाएगी तो लेकिन रीजनल ट्रेड विथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं

वो ओन लेस देन ट्वेल्व एकर्स सिंध के अंदर अभी भी आपको बड़ी बड़ी लार्ज लैंड होल्डिंग होती हैं और साउथ पंजाब में कुछ चार पाँच छः घर हैं तो सियासत में यू फील यू यू वॉन्ट टू तो फाइट द बैटल दैट यू कैन विन और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लैंड रिफॉर्म से क्या फ़ायदा हुआ इस वक्त अगर आपके पास रियासत के पास वो कच्चे की ज़मीन थी जो नवाज शरीफ साहब देते थे आप हारियों को ज़मीन ज़रूर दे दें दे, उनको बिजनेस शुरू कर दें उनको ट्रैक्टर्स के लोन दे दें छोटे छोटे फार्मर्स को हेल्प कर दें। लेकिन इस वक्त मतलब किसी की जमीन लेना तो मेरी समझ में नहीं आती बात हाउ टू कंट्रोल इनफ्लेशन पाकिस्तान भाई हा हा हाँ मुझे लगता है इस ऑडियो बैलेंस की तरह इकोनॉमी होती है आप एक जगह बढ़ाते हैं ना तो और छाइल ऊपर नीचे हो जाते हैं देखें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और ग्रोथ करना हर फाइनेंस का मिनिस्टर काम भी होता है शौक भी होता है मुझे तो ये मौका मिला ही नहीं क्योंकि मैं तो डिफॉल्ट के पीछे गया इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कुछ होता है दो तीन किस्म का होता है लेकिन दस परसेंट इन्फ्लेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एनर्जी कॉस्ट हमने एनर्जी कॉस्ट सत्तर सत्तर फीसद बढ़ाई थी तो छः सात फ़ीसद तो इन्फ्लेशन इसकी वजह से आ जाता था उसके बाद आपका एक कोर इन्फ्लेशन होता है नॉन एनर्जी नॉन फ्यूल फूड और एक होता है नॉन कोर इन्फ्लेशन जो 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 एनर्जी एंड फूड प्राइस है कमोडिटी सुपर साइकिल में चल रहे हैं एनर्जी प्राइस हिस्टोरिक हाई हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं और कोर इन्फ्लेशन के अंदर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ डिवेलुएशन एंड ऑल दैट तो फॉर फ़ौर और उसके बाद फॉर अक्टूबर से कम होने वाला था क्योंकि थोड़ा सा अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में खान साहब ने सोरी सी एनर्जी की प्राइस बढ़ाई थी तो उसका मुझे बेस अफेक्ट मिल जाता

और मैं उससे न्यू पहुँचता था एक्चुअली आई हैव दिस थिंग कि मुझे यहाँ पे बहुत पसीना आता है सो so, जब मैं उठाने गया तो सारी बेचारी खड़ी हुई थी तो उसका दुपट्टा मेरे हाथ में टिश्यू पेपर के ऊपर कहीं आ गया मैं सोचा ही नहीं <laughs> तो आई पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जी uh, पिछले साल अस्सी अरब रुपए के घर अब तक इमरान ख़ान की हुकूमत ने दिए थे लोन अप्रूव किए थे और पिछले साल उसका कोई सत्रह अठारह अरब रुपए का आ, वो था सब्सिडी थी और दो ढाई सौ अरब रुपए के और लोन अप्रूव थे तो उसकी सब्सिडी के पैसे नहीं रखे खान साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम करे सब्सिडी के पैसे नहीं देते थे जैसे शहर कार्ड के अंदर ठीक है आपने अस्सी अरब का आपने लोन दिया जिस पे बीस अरब की तो सब्सिडी सालाना लग रही है बैंक लोगों को दो फीसद चार्ज कर रहे थे और बैंक को कायबॉर प्लस फोर परसेंट दे रहे थे ये तो बैंकों के लिए बनी हुई थी स्कीम ठीक है सो so, वो स्कीम ही गलत थी तो मैंने उसको हॉल्ट करा दिया जो जिन लोगों ने बयान दे दिए थे उनको तो मैंने अप्रूव कर दी लेकिन जिन्होंने बयानी नहीं दिए थे बयानी क्या होता है बयान नहीं दिया था जिन्होंने उनको हमने रुकवा दिया क्योंकि वी सीरियसली वी ड नॉट है ये तो अजीब सी सब्सिडी थी बैंकों बैंक फर मेकिंग आउट लाइक बैंडेड्स के काबर प्लस फोर परसेंट बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं फिफ्टी परसेंट रिस्क जो है वो हुकूमत की एजेंसी से लिया हुआ है तो आपको तो डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है बाकी उसकी हाउसिंग की वो भी आपके पास मॉर्गेज करी हुई है और वो लोग तो सिर्फ दो परसेंट दे रहे थे बाकी जो है सारा हुकूमत पिक कर रही है बैंकों को आप बीस परसेंट इंटरेस्ट किस चीज़ का दे रहे हैं सो आई सेट नहीं आई जो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस रिवाज दिस स्कीम सो आई हैल्ड दिस

Uh, लोगों के जहन में चीजें ना कि कुछ देर आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु गो अबाउट विदाउट पेइंग टैक्स ये झूठ बात है देर इज़ नो ग्रुप ऑफ पीपल छोटे थोड़े बहुत कोई निकल आएंगे लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट एवरी पाकिस्तानी इज़ टैक्स ठीक है वो बेचारा चौकीदार जो साबुन ख़रीदता है ना ही इज़ ऑल्सो टैक्सड एंड जो यू नो गाँव में बेचारा वो जो तेल खरीदता है फार्मर वो भी टैक्सड है गरीब तो अमीर हर आदमी टैक्सड है यहाँ पर ठीक है कोई ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं हो और इनकम टैक्स अभी बहुत कम लोग इस में होते हैं आ, लेकिन फिर भी वो हमने एक एक प्रोग्राम था वो पी के ज़माने से था उससे पहले हमने भी इस पर काम किया हुआ था वो कर रहे थे और वो कुछ हम कुछ टेस्ट देख रहे थे कुछ लोगों को नोटिस भेज के देख रहे थे कि उनको टैक्स हैं कि नहीं है वो नादरा ने हमको कुछ आइडेंटिफाई कर रहे थे कुछ लोग जो उनके ख्याल से टैक्स पेयर्स नहीं हैं और टैक्स पेयर होने चाहिए सो वी वो टेस्टिंग एटर हम वो टेस्ट के अमल में थे अभी लेकिन अगर मैं फ़ौर सुपर टैक्स लगाया तो मैंने हर बैंक के ऊपर लगाया ना और तीस करोड़ रुपए की इनकम के ऊपर लगाया शुगर मिल्स के ऊपर लगाया या दीगर चीज़ों के ऊपर लगाया तो मतलब मैं और किसके ऊपर टैक्स करता मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई बैंक है जो कि जो कि टैक्स नेट में नहीं है हर बैंक ही टैक्स नेट में है तो ये ये चीज़ भी है ना ये बड़ा आसान होता है बोलना ये सारे एंकर्स बोल देते हैं कि यार नए लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ क्योंकि किसी और को टैक्स देना नहीं भाई कौन नए लोग हैं मुझे बता दो एक नाम बता दो कि ये आदमी है फ़लाँ ये टैक्स नहीं देता है कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से हम टैक्स ले ही लेते हैं सबसे मतलब तो नजर तो आ जाता है अगर हम देखते हैं कि इसकी खड़ी हुई है है और एंड में आता इसने टैक्स तो ऐसे लोगों का, का पता करना तो कोई मुश्किल नहीं है वो लोकल जाके देख भाई इसका घर भी स्पोर्ट्स कार हो देखिए देखिए आपको अब हमारे एक मिसाल देता हूँ एक बड़े सियासतदान हैं बहुत बड़े महल की नमा घर में रहते हैं इमरान खान नाम है उनका डेढ़ लाख रुपये टैक्स देते हैं एक लाख से डेढ़ लाख रुपया टैक्स देते हैं ज़िंदगी भर यही टैक्स दिया है लाख लाख रुपया सवा लाख रुपये लाख सवा लाख अब जब वजीर आजम बन गए तो एक साल इन्होंने अचानक अठानवे लाख रुपये देते लाख सवा लाख रुपये टैक्स देते तीन सौ एकड़ के तीन सौ कनाल के मकान में रहते हैं कहाँ से अल्लाह ने दे दिया इनको बेगम के भी पैसे नहीं इनके पैसे थे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इनके नाम पर नहीं होती कोई तरीन के नाम पे होती अली तरीन के नाम पे थी अब वो एक जो सैनट के जो है लीडर है उनके नाम पे गाड़ी है तो गाड़ियाँ भी आ जाती हैं पेट्रोल भी आ जाते हैं घास अगर इनके घर में काटते हैं तीन सौ घर पर अगर आप खाली लॉन कटवा पता नहीं को बीस पच्चीस तो माली होंगे

हिस्से की एक शमा जला देते पहले इसका पहला मिसरा क्या है कि वो अंधेरे को बुरा कहने से वो कहता ना कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस इन लाइट अ कैंडल सो हम कोशिश तो कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे इन शाह कहीं ना कहीं से बेहतरी लेकर आएंगे uh, मैं ऐसे कहता हूँ लोगों को कि आई डों वरी अबाउट पाकिस्तान बिकॉज माई फैमिली लिव्स हेयर माई होम इज हेयर Or my businesses are here, or my factories are here, and all that stuff. I worry about Pakistan because my Kabrastan is also here. So, thank you so much you. for listening thank with you. this somber thought. <laughs> Take care. Allah Hafiz.